ऐसे ही हर ग्रह के नैसर्गिक गुण हैं। शनि का नैसर्गिक गुण है दुख देना। अच्छा। बट आप जिस दिन धरती पर आए थे वो टाइम, समय, तारीख और जगह, उस दिन जो ग्रह जिस स्थान पर घूम रहे हैं, और बृहस्पति देव का नैसर्गिक गुण है सुख देना। अच्छा। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। बच्चे को पैदा होने से लेकर करीबन 8 या 10 साल तक उसके कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है, उसके माता पिता को मिलता है। ये ध्यान रखना। आकाश में तो उस दिन ही ये तय हो जाता है कि आप जीवन में, आप पृथ्वी पर जा रहे हैं तो आप क्या फल भोगेंगे, क्या दुख प्राप्त करेंगे और किस स्थिति में आपकी मृत्यु होगी। तो मैंने कहा, तो स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में दो गेस्ट हैं। एक गेस्ट का नाम है प्रज्योत सर, जिनको आपने पिछले पॉडकास्ट से जानते हैं और हमारे पिछले पॉडकास्ट को आपने बहुत प्यार दिया है। और उन्हीं के साथ इस बार नए गेस्ट हैं विकास सर। अब विकास सर बहुत ग्वालियर में फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र जानते हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ज्योतिष शास्त्र क्या होता है सर के साथ। सर आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विकास है, विकास नारायण श्रीवास्तव। मैं काफ़ी समय से वास्तु और ज्योतिष शास्त्र का काम कर रहा हूँ। तो कई सारे लोग होते हैं जो अपनी कुंडलियाँ लेकर के आते हैं कि पंडित जी हमें ये परेशानी है, पंडित जी हमें वो परेशानी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई, जब आप बीमार हो जाते हो उसके बाद आते हो डॉक्टर के पास, ऐसे ही जब परेशानी सर पर आकर बैठ जाती है तब आप आते हो ज्योतिषी के पास। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अपने जीवन को सुख से गुजारना है, हंसी खुशी गुजारना है, बिना परेशानियों के गुजारना है, तो आप जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली नाइर रोग लगते हैं, हम तो उसी के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने ब्यूटी पार्लर में, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपना पर्सनल या अपना फैमिली का एक एस्ट्रोलॉजर नियुक्त करके रखना चाहिए। उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ क्या है। आपको नहीं पता कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, बट आप जिस दिन इस धरती पर आए थे वो टाइम, समय, मतलब समय, तारीख और जगह, उस दिन जो ग्रह जिस स्थान पर घूम रहे थे ना आकाश में, तो उस दिन ही ये तय हो जाता है कि आप जीवन में, आप पृथ्वी पर जा रहे हैं तो आप क्या फल भोगेंगे, क्या दुख प्राप्त करेंगे और किस स्थिति में आपकी मृत्यु होगी। क्योंकि पैदा होना, मरना और उसके बीच में जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच का जो डैश होता है ना, उसी में ही सारी लाइफ चलती है हमारी। अब वो जो लाइफ हमारी चलती है, वो चलती कैसे है? सडनली आप घर से निकले, एक्सीडेंट हो गया भाई, तो आपको नहीं पता कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। बट अगर आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार अपनी कंसल्ट कर लेंगे ना अपनी कुंडली, तो वो आपको ये पहले ही बता देगा कि भाई आपका समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वाहन दुर्घटना का योग है, आप सावधान रहें। तो आप थोड़ा सावधान रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि हाँ ऐसा बोला है हमें। सपोज कोई बीमारी होने वाली है, आपको कोई बीमारी होने वाली है, बट आपको नहीं पता कि बीमारी कौन सी होने वाली है। कई बार क्या होता है, लोग बीमार हो जाते हैं और वो बढ़ते बढ़ते मर्ज बढ़ जाती है, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब वो सही नहीं हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ग्रह होता है। आपने देखा होगा कि दवाई खा रहा है इंसान, बट वो दवाई लग नहीं रही हमारी बॉडी को, असर नहीं हो रही। बड़ी दवाई, लंबा इलाज चला, क्या बात है भाई। अगर आपको कोई भी बीमारी 10 दिन से ज़्यादा और 15 दिन से ज़्यादा या महीने भर तक अगर खिंच जाए, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप किसी ना किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा करके कंसल्ट कर लें कि भाई क्या दिक्कत है, हमारी दवाई इतने लंबे समय से चल रही है। क्यों ना, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो आपको शरीर को पीड़ा देने के लिए आया हुआ है, और वो जब तक जाएगा नहीं अपना कार्यक्रम खत्म करके, तब तक आपको वो पीड़ा देता ही रहेगा, आपकी दवाई चलती ही रहेगी। पर जैसे कि आप कह रहे हो कि ग्रह के थ्रू पता पड़ता है, पर ग्रह ऐसा क्या सिंबल, मतलब क्या करता है कि समझ में आ जाएगी आपको, जैसे कि मैं आपके पास कुंडली लेके आया। ग्रह मतलब जो अपने साथ ग्रह हैं, सात ग्रह होते हैं, जो नौ ग्रह हैं। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब दो हैं छाया ग्रह, सात ग्रह हैं और दो हैं छाया ग्रह, तो टोटल मिलाकर के हो गए हैं नौ ग्रह। राहु केतु दो छाया ग्रह हैं। सबके अलग अलग काम हैं। जैसे आपका नैसर्गिक गुण होता है, नैसर्गिक गुण मतलब जैसे अपन आईटी की भाषा में बोले, बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर क्या है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को आप कितना भी उबाल दो, कितना भी गर्म कर लो, बट उसका नैसर्गिक गुण है शीतलता प्रदान करना। वो हमें हमेशा शीतल ही महसूस कराएगा। आप कितना भी गर्म पानी पियो, वो जब पेट में जाएगा तब भी शीतलता देगा, ठंडा पियो तब भी शीतलता होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है जल का काम है शीतलता प्रदान करना। अब ऐसे ही हर ग्रह के नैसर्गिक गुण है। शनि का नैसर्गिक गुण है दुख देना। अच्छा। हाँ, आप ज्योतिष में किसी से कंसल्ट करेंगे तो वो स्पष्ट बता देगा कि शनि का नैसर्गिक गुण है दुख देना,
और बृहस्पति देव का नैसर्गिक गुण है सुख देना। अच्छा। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते और शनि किसी को सुखी नहीं देख सकते, बट वो मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे आपको फल देंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि वो इस धरती पे जो भी लोग पैदा हुए हैं सब कोई दुखी देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जिन्होंने कर्म खराब किए हैं उनके कर्मों का फल देना है। पर ये जो कर्म है ये पुराने कर्म की, क्योंकि आप बोल रहे हो पहले से ही लिख गया। अब अगर उसके अंदर लिख गया कि शनि वो देंगे, तो मैंने तो कोई आगे कर्म नहीं करे, तो पुराने कर्म के सबसे हुआ क्या? हाँ नहीं, अब इसमें भी मैं बताता हूँ कर्म होते क्या है। कर्म देखो होते हैं तीन तरीके के, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, जुबान से और शारीरिक रूप से। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, शनि कैसे इफेक्ट डालते हैं लाइफ में। हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया तो वो हमारे मनसा कर्म में जुड़ गया जाकर कि अच्छा ये व्यक्ति इतना निगेटिव सोच रहा है इसके बारे में, ओके ठीक। अब आपने किसी को गुस्से में आकर के कुछ बोल दिया तो आपकी जुबान से कर्म खराब हो गया, भले ही आपने उसके साथ कोई हाथापाई नहीं कि कुछ नहीं किया, बट वो मनसा वाचा कर्म खराब हो गया आपका, दो कर्म खराब हो गए, दो चले गए। आपने अगर किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है तो आपके तीनों ही, यानी आपने पूरी तरीके से सोच के समझ के जान बूझ के आपने उसको परेशान किया है, तो मनसा वाचा कर्मणा हो गया। अब आपको इसका फल भोगना ही है, इसी जन्म में भोगना है कि अगले जन्म। अब इसमें होता क्या है, देखो कई बार सुना होगा आप लोगों ने संचित कर्म। जब बच्चा पहली बार माँ की कोख से जब धरती पर जन्म लेता है ना, तो पंडित जी लोग बोलते हैं भैया देखो इसका क्या भाग्य लिखा के आया है, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जैसे सपोज अभी अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी अपन यहाँ है इस जन्म में है, तो अभी हम जब इस जन्म में हैं तो इस जन्म में जन्म लेने के बाद से अभी आखिरी सांस तक हम जितने भी कर्म करेंगे वो सारे कर्म हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हमारे सारे कर्म होते चले जा रहे हैं, घटित हो रहे हैं। अब कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें इसी जन्म में भोगने हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं जो स्टोर करके रख दिए जाएंगे जिसका ब्याज इंटरेस्ट के साथ आपको अगले जन्म में दिया जाएगा, या फिर हो सकता है उसके बाद किसी भी जन्म में वापस किया जा सकता है। तो आप जब इस जन्म के किए हुए कर्म जो इसी जन्म में भोग लें उनका तो हिसाब किताब हमारा खत्म हो गया, बट जो कर्म आपके बच गए हैं, अब वो बचते कौन से हैं उसका भी कारण बता देता हूँ। जितने भीषण कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं उतना ही भीषण फल भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे उसका हजार गुना वापस करेगी प्रकृति। आप गेहूं का एक दाना डालते हैं, किसान से पूछना, एक दाना डालेगा बट उससे एक पौध बनती है, उसमें एक बाली में कम से कम नहीं तो 20 दाने निकलते हैं, यही नियम है। एक पौधा लगाइए आप, उसमें आम का पौधा लगाया उसमें कितने फल निकलते, कितने साल चलते हैं। तो ऐसे ही हमने एक कर्म किया तो जितना भीषण करेंगे उसका हजार गुना ही हमें वापस आएगा। अब वो शनिदेव के ऊपर है जो कर्म का वो देते हैं, इस जन्म के लायक होगा तो इसी जन्म में होगा, नहीं तो वो आपका नोट हो गया, अगले जन्म में जब आप नया जन्म लेंगे तब वो वहाँ प्रारब्ध में लिख कर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया लिख के। अब वो शुरू माँ के पेट से निकलते ही आपको वो कर्म के फल मिलेंगे। अब वो मिलते कैसे हैं, वो ऐसे मिलते हैं, कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसके पिताजी की डेथ हो गई, पिता का सुख नहीं है उसके भाग्य में, वो लिखवा कर लाया है कि जब ये जन्म लेगा तो उसके भाग्य में पिता का सुख नहीं है, खत्म हो गया। माँ का सुख नहीं है तो माता खत्म हो जाएगी। अगर मान लो धन संपत्ति का सुख लिखा के नहीं लाया कि इसके भाग में धन संपत्ति नहीं देना है भगवान को, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जरूर तुमने किसी ना किसी के हक मारा हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया हो, तो इस जन्म में तुम्हारा वो हक छीन लिया गया। एक और सवाल है मेरा, अगर मैं आपके पास कुंडली लेके आया, आपने मेरे को बता दिया कि भाई एक्सीडेंट होगा अगले 2 महीने में और मैं घर से नहीं निकला, तो मेरे साथ होगा या नहीं होगा? अब इसमें देखो क्या होता है कि सपोज आप कुंडली लेकर आए, आपका योग बना है कि सपोज, अब ये बनते कैसे हैं, दुर्घटना के योग होते हैं और हर ग्रह से संबंधित अलग अलग होते हैं। तो अब सपोज मान लो अगर आपकी वाहन दुर्घटना का योग आ रहा है और अगर किसी ज्योतिषी ने आपको बोल दिया है कि भैया थोड़े दिन आप संभाल के रहो क्योंकि आपका समय थोड़ा खराब है, वाहन दुर्घटना के योग है, तो अब आप बोलोगे पंडित जी मुझे कुछ उपाय बताइए, उपाय बताइए ताकि ना हो ऐसा। तो आपको मैं बताऊं कि इस धरती पर ऐसी कोई घटना नहीं है जो घटित ना हो, जो एक बार ग्रह दिखा रहे हैं वो घटित तो होगा, बट उसकी क्षमता जो होती है ना घटना की, वो कम या अधिक हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि अब आपको बता दिया किसी ज्योतिष ने कि भाई आपका दुर्घटना होने वाली है, तो अब ये कन्फर्म है कि दुर्घटना तो होगी। अब दुर्घटना होगी, आपको उसने उपाय भी बता दिया कि भाई आप बीमार होने वाले हो, डॉक्टर के पास गए, उसने कंसल्ट करके आपको पर्चा लिख दिया, तो अब दवाई तो आपको खानी पड़ेगी ना, आप उसका परहेज करके चलोगे ना, डॉक्टर ने मना किया ये नहीं खाना, आपने वो उपाय किए, उपाय करके चल रहे हो, घटना घटित होगी, बट दुर्घटना होगी तो जो शरीर को ज़्यादा कष्ट लिखा था ना वो क्या होगा। कई बार आपने देखा होगा, इससे एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक गाड़ी पे दो लोग जा रहे हैं, सपोज 2-व्हीलर में,
लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो एक व्यक्ति मरता है, दूसरे को खरोंच तक नहीं आती है। किसी कार में जा रहे हो और पूरा की पूरा परिवार खत्म हो जाता है, बट कोई ना कोई एक सदस्य बच जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसके कष्ट लिखे ही नहीं थे दुर्घटना के, वो दुर्घटना हुई है क्योंकि साथ वालों के साथ में वो था। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है एक्सीडेंट एक्सीडेंट, और मैं भले ही आपकी गाड़ी में जा रहा हूँ पर मेरी में नहीं लिखा, तो मेरे को कुछ होगा ही नहीं? नहीं, तो आपको लगेगी नहीं, मतलब डेथ नहीं होगी। अगर जैसे मैं जा रहा हूँ अपनी वाहन दुर्घटना में, तो मेरा योग है वाहन दुर्घटना का, तो मेरे साथ दुर्घटना होगी तो चोट मुझे लगेगी, बट आपके साथ अगर दुर्घटना का योग नहीं है तो आपको चोट नहीं लगेगी, इतना ध्यान रखना। जैसे आप बता रहे हो मृत्यु के बारे में कि एक्सीडेंट होते हैं, अगर आपने भी ऐसा किसी की कुंडली देखी है, हाँ, कि आपने किसी को बताया इस बारे में? मैंने बताया, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने बताया, उसकी कुंभ राशि की 7.5 चल रही थी। हाँ। उसको मैंने, अच्छा, हर राशि की 7.5? हाँ, नहीं नहीं, देखो मैं बताऊं, 12 राशियां होती हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और 12 राशियों में शनि कुछ विशेष राशियां हैं, जहां पर बैठते हैं तो व्यक्ति के ऊपर 2.5 और 7.5 आती है। 7.5 क्या, एक टाइम पीरियड नहीं है 7.5 साल का। शनि 12 घरों में जब जब बैठेंगे, शनि बैठते एक घर में 2.5 साल के लिए, यानी 30 मंथ, 30 महीने के लिए एक भाव में जाकर के विराजित हो जाएंगे। तो अगर अष्टम में बैठे हैं तो 2.5 आ गई, चतुर्थ में बैठे हैं तो 2.5 आ गई, बट व्ययेश में, लग्नेश में और द्वितीयेश में अगर बैठ गए, मतलब द्वितीय भाव में, लग्न में और 12वें भाव में अगर बैठ गए, तो ये 2.5 2.5 2.5 मिला के टोटल 7.5 साल हो जाते हैं। ये जीवन में सबसे ज्यादा कष्टकारी होते हैं, ये 7 साल, 7.5 साल। हाँ, इसीलिए ज्योतिष की कुंडली, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे ना कुंडली लेके, तो कुंडली बोलेगा अरे भैया आपकी तो 7.5 ही चल रही है, तो आदमी भयभीत हो जाता है, अरे यार पंडित जी कुछ बताओ हमें, अब क्या करें, हम तो 7.5 ही चल रही है। तो भाई इतना डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपने प्रश्न किया था कि कर्म का क्या है, तो जैसे आपने कर्म किए होंगे, शनि तो केवल आपका पूरा पुराना बही खाता चिट्ठा खोल के बैठ जाएंगे, ये अच्छा ठीक है भाई इन्होंने ऐसा किया, ठीक है इस फल का ऐसा फल, इसका ऐसा फल, नहीं इसको बाद में निपटेंगे, तो ये आपका फिर प्रारब्ध में नोट होता जाएगा, इसको बोलेंगे संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म जो हो ना, ये प्रारब्ध बोलेंगे, जब बच्चा अगले जन्म में पैदा होता है ना, तो पैदा होते के समय जो कर्म देखते हैं वो होते हैं प्रारब्ध कर्म, कि वो पिछले जन्म में क्या लेकर आए हैं, लेकिन इस जन्म में हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारा सारा कहीं ना कहीं तो संचित हो रहा है ना, सेव हो रहा है, तो ये संचित कर्म में जाए, संचित कर्म। अब आप एक्सीडेंट पर जो आपने प्रश्न पूछा, एक्सीडेंट पर बताता हूँ, मेरे एक कुंडली आई थी, उनकी कुंभ लग्न की 7.5 स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी मेरी कुंडली बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, नौकरी धंधे को लेकर के बहुत परेशान थे, वो कोई काम नहीं चल रहा था उनका, आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे। तो उनने मुझे कुंडली दिखाई, तो मैंने कहा कि भाई देखो अभी तो समय गड़बड़ है, क्योंकि 7.5 आ गई है, बाकी तो सब बढ़िया निकला है, लेकिन अब तुम्हारा थोड़ा सा सावधान रहने का योग है, जमा पूंजी खत्म होने लगेगी अब तुम्हारी, और थोड़ा संभाल के रहो, शारीरिक कष्ट मिलेंगे तुम्हें। तो बोले किस टाइप के? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारा ना दुर्घटना का लग रहा है, अब दुर्घटना वाहन से होगी या फिर तुम खुद अपनी गलती से कुछ करोगे, बट तुम्हारे हाथों में कष्ट आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि तुम्हारे बाहू पे कष्ट के योग बन रहे हैं। तो बोला ठीक है। तो शरीर के किस अंक में? हाँ, शरीर के हर अंक का हर ग्रह पर कब्जा है, इस पर भी मैं बताऊंगा आगे। तो मैंने उनको बोला कि आपके हाथों पर कष्ट आ रहा है, थोड़ा संभाल के रखना। तो बोले पंडित जी इसका कोई उपाय? तो मैंने उपाय बता दिया। अब हाँ, इसी व्यक्ति की दो घटनाएं हुई थी बड़ी विचित्र, तो इनको मैंने बता दिया। अब इन्होंने उपाय की, इनको मैंने बताया शनि के उपाय करना। सर वो विचित्र घटनाएं बताइए अपने। हाँ, विचित्र विचित्री तो बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने इनको उपाय बता दिया, ये उपाय कर रहे थे शनिदेव के, तो मैंने इनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि देखो भाई ऐसा है, शनि की 7.5 चल रही है, और वो तो आपका पूरा बही खाता लेके बैठे हैं हिसाब किताब करने के लिए। अब ये याद रखना कि मैंने आपको उपाय बताए हैं, तो वो इन उपाय को कंप्लीट होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन डालेंगे तुम्हारे काम में, ताकि ये उपाय कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि अगर उपाय होंगे तो वो थोड़ा सा शांत होंगे। तो बोला ठीक है, आप पंडित जी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं सारे उपाय करूँगा उनके। मैंने कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाओगे पूरे। अब हुआ ये कि ये एक दिन मथुरा गए, सारा सामान लेके, बोले मुझे मथुरा जाना है, मैं मथुरा जा करके कर सकता हूँ पूजा? मैंने कहा भाई तुम पूजा का सामान ले जाओ, कहीं भी कर सकते हो, बस शनि मंदिर होना चाहिए। इनका मोबाइल खो गया, ट्रेन में पता नहीं ऑटो में कहाँ खोया। इन्होंने अपने जीजा जी के नंबर से फ़ोन लगाया कि पंडित जी आज शनिवार का दिन है,
और मेरा मोबाइल खो गया है, अब बताओ, और मेरा दिमाग इतना ख़राब है और इतना महंगा मोबाइल था नया और ये और वो फलाना ढिकाना दुनिया भर की बातें की। तो मैंने बस एक ही शब्द बोला, मैंने यार शनिवार है ना, पूजा करके आ गए। बोले नहीं, अब मेरा मन नहीं हो रहा। मैंने बस ये गलती मत कर देना, बस यही तो एक अड़चन है। आज रुक मत जाना, पहले पूजा करके आओ। और मेरी जुबान है, शनि महाराज आपका मोबाइल वापस दिलवाएंगे, गारंटी है। तो बोला मैं नहीं जा रहा, मेरा बहुत नुकसान हो गया है और इतना महंगा मोबाइल। जीजा जी गुस्सा करे, दीदी गुस्सा। मैंने कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम बस पहले सबसे पहले जीजा जी को बुलाया है तो आप उनके साथ जाके शनि मंदिर में जाके जो तरीका बताया बस उस तरीके से पूजा करके आ जाओ। उसके बाद बस दो दिन वेट करना, अगर शनि महाराज ने कुछ नहीं किया तो तुम मुझे खूब गालियां देना, मैं सुन लूंगा, बट दो दिन वेट करो मेरे कहने से। अगर इतना ट्रस्ट किया है तो ठीक है, विश्वास नहीं मानोगे, दो दिन बाद जिस ऑटो वाले के उसमें मोबाइल था उसने अपने पास रख लिया था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, ये उसको फोन लगाया इन्होंने, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, वो तो भाई किसी को चीज मतलब कोई वापस थोड़ी करता है। बट दूसरे दिन शायद मंगलवार था, दो दिन बाद, तो मंगलवार को वो इनकी मम्मी के नाम से जो नंबर सेव था उस पर उसने मोबाइल खोला, उसको फोन लगाया, बोले वो ये नंबर जिनका है उनकी मम्मी बोल रहे हैं, बोले हाँ, बोले ये मोबाइल उनका है, मेरी ऑटो में रह गया था, अब मैं इनको वापस करना चाह रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हो? बोले ऐसे ऐसे। तो बोले आप इस पते पे चले जाओ, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो ऑटो वाला उस पते पर जा करके वो दे करके आया। फिर उस लड़के ने मुझे फोन लगाया, पंडित जी मेरा मोबाइल वो खुद वापस करके गया। मैंने कहा अगर तुम उस दिन चूक जाते ना तो मोबाइल वापस नहीं मिलता। सही बात, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरी घटना क्या हुई, इनको मैंने बताया था एक्सीडेंट होगा, वाहन दुर्घटना होगी, हाथों में कष्ट है। ये भाई साहब गए थे दिल्ली नौकरी के लिए, अब ये सिग्नल पे खड़े हुए थे, सब कुछ सही था, अपोजिट साइड से गाड़ी आई और वो गाड़ी इतनी स्पीड में थी किसी को कोई टक्कर नहीं मारी, ये सिग्नल पे इंतजार कर रहे थे कि ग्रीन हो जाएगा, वो गाड़ी उधर से आई और इनको टक्कर मार दी। केवल इन्हीं की गाड़ी में टक्कर लगी, बगल वाले को नहीं लगी, बगल वाले को नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं लगा, बस सीधे लाया उसने कार इनकी गाड़ी में ठोकी, ये गिरे, इनके दोनों हाथों में चोट लगी, प्लास्टर चढ़ा और ये बेहोश हो गए, दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा, हाँ दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा, कंधे वो हो गए थे इनके, हड्डियाँ सरक गई। अब साहब इन्हें एक दिन बाद या दो दिन बाद इनको होश आया, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने एम्बुलेंस बुला के इनको भर्ती करा दिया, भैया वगैरह सब पहुंच गए। अब इनका फ़ोन आया, मैं सुबह पूजा कर रहा हूँ, इनका फ़ोन आया कि विकास जी, मैंने कि हाँ बताओ, इतनी सुबह सुबह, बोले आपने बताया था एक्सीडेंट होना है, हाथ टूटने हैं मेरे, मैंने कि हाँ बताया तो था मैंने, लेकिन उसको तो समय हो गया है, क्या हो गई घटना की अभी लग रहा है। बोले भाई साहब तीन दिन से हॉस्पिटल में हूँ, दो दिन बाद हो रहा है, मैंने कि मतलब गए हाँ टूट गए, बोले हाँ दोनों में फ्रैक्चर है मेरे। तो वो व्यक्ति आज की तारीख में तो खैर भोपाल है, शादी हो गई उसकी, ये एक्सीडेंट के ऊपर एक दुर्घटना, ये बहुत वो है। जैसे कि हमारे मतलब सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो शादी से पहले लोग भले ही सामने वाली मेडिकल रिपोर्ट ना देखें कि मतलब उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, ऐसे देखते हैं, मतलब यूएस में लोग ऐसे देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के बिना शादी नहीं करते, पर बहुत टाइम पर ऐसे कुंडली देखे बिना शादी होती ही नहीं है, मतलब किसी भी धर्म में चले अब किसी भी सनातन बिना कुंडली देखे शादी नहीं होती, शादी करते ही नहीं है, तो कितना परिवर्तन होता है, मतलब कुंडली का कुछ शादी से रिलेशन होता भी है कि नहीं होता है, कि कितना फर्क पड़ता है इसका मैं बताता हूँ। ये जो आप विवाह के ऊपर जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, ये बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सपोज जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो करीबन बाल्यावस्था में वो अपने माता पिता की छत्र छाया में रहता है, तो उसके ऊपर जितने भी कर्म होते हैं, हाँ एक चीज और जो कर्म की बात करी थी, तो बच्चे के जो कर्म संचित कर्म जो लेकर के आए ना इस जन्म में प्रारब्ध जो लाया है, बच्चे को पैदा होने से लेकर करीबन 8 या 10 साल तक उसके कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है, उसके माता पिता को मिलता है, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें है क्या कि बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ तो जब तक वो विवाह नहीं कर रहा है तब तक उसके ग्रह उसके कर्म सब कुछ उसी के ऊपर रहेंगे, बस इतना ध्यान है। बट जिस दिन उसने विवाह कर लिया तो जिस लड़की के साथ उसने विवाह किया या जिस लड़के के साथ उसने विवाह किया तो याद रखना कि उसके ग्रह भी इस पर आ जाएंगे और इसके ग्रह भी उस पर चले जाएंगे। अच्छा हाँ। और सर जैसे कि किसी किसी कुंडली में लिखा रहता है कि वो दो विवाह करेंगे, तीन विवाह करेंगे, वो योग होते हैं, विवाह एक ही हुआ उसका पर पूरी जीवन चला गया उसका, ऐसा नहीं, उसमें देखो कई चीजें होती हैं, मैं वो यहाँ बोलना नहीं चाह रहा कि विवाह एक ही नहीं होता। आजकल का जो माहौल है ना, विवाह की परिभाषाएं बहुत अलग हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में धार्मिक ग्रंथों में ना विवाह 10 तरीके के बताए गए हैं, 10 तरीके के विवाह हैं। अब मैं उसको प्रैक्टिकल में बताता हूँ, तो जितने भी विवाह के निमंत्रण आपके घर पे आते हैं
जिनमें टेंट लगाकर और पूरी पब्लिक को बुलाकर और अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर जो ब्राह्मण आपके फेरे कराते हैं, वो ब्रह्म विवाह है जिसको ईश्वर ने भी मान्यता दी है। शिव जी ने भी ऐसा ही विवाह किया था, विष्णु जी का भी ऐसा ही विवाह हुआ है। ये ब्रह्म विवाह है जिसमें वर वर कन्या का पिता वर को कन्यादान, हाँ, कन्यादान वगैरह करके अपनी पुत्री देता है। ये ब्रह्म विवाह है। इसके अलावा 10-9 तरीके के विवाह और हैं। अब आजकल एक चीज और चल रही है, आजकल प्रेम विवाह चल रहा है एक। अब इसमें होता क्या है कि कुंडली में योग है प्रेम विवाह करने के, तो प्रेम विवाह कर लिया। बट प्रेम विवाह में भी कई सारे तरीके हैं। एक तरीका और है, एक होता है गंधर्व विवाह, जो हमारे भरत और मनु शत्रु का जो कहानी सुनी होगी, एक भारत देश का नाम कैसे पड़ा है, वो बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगी। तो ये गंधर्व विवाह होता है कि जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो भगवान के सामने जा करके एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। अच्छा। तो वो गंधर्व विवाह है। तो इस तरीके से हमारे ज्योतिष शास्त्र में 10 तरीके के विवाह हैं धर्म में। अब आप जो पूछ रहे हो मुझसे कि एक ही व्यक्ति ने विवाह किया और उसकी कुंडली में दो विवाह के योग थे, तो ऐसा है कि विवाह तो उसके दो ही हुए होंगे, विवाह की परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो एक विवाह जो नजर आ रहा है वो ब्रह्म विवाह है जिसको वो निभा रहा है, बाकी के जो 9 हैं उसमें से भी कोई ना कोई विवाह जरूर हुआ होगा। मतलब गंधर्व विवाह हो सकता है। गंधर्व विवाह मतलब उसमें ऐसा है कि आप अकेले में भगवान को जाके बोल देते हो कि हमने शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली, उसके बाद आपने जो भी पारिवारिक जीवन जीने के, निर्वाह करने के जो वो नियम होते हैं, वो आपने सारे फॉलो कर लिए, तो वो आपका गंधर्व विवाह माना जाएगा। कोई भी सबूत नहीं है, मतलब अच्छा समझ गए कि अगर आप फिजिकल हो गए तो फिजिकल हो गए, हाँ, तो वो आपका गंधर्व विवाह हो गया। अब जो शादी, कई लोग क्या होते हैं ना, दो शादी का योग होता है। आपका सप्तम भाव अगर पीड़ित हो गया ना व्यक्ति का, तो आपको तय है कि शादी उसकी जीवन में ज्यादा टिकेगी नहीं। पहली शादी में ही व्यवधान आएंगे, दूसरी शादी में इतना व्यवधान नहीं आता। हाँ, दो शादियों में, अगर किसी की कुंडली में दो शादियों का योग है तो पहली शादी में ही व्यवधान आएंगे, डिवोर्स हो जाए, खत्म हो जाए, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाए, बट दूसरे विवाह में ऐसा नहीं होगा। बट किसी की कुंडली में दो विवाह से अधिक का योग है तो जब तक वो लास्ट स्टेज वाले विवाह पर नहीं पहुंच जाता ना, तब तक सारे विवाह में अड़चने आएंगी। एक और चीज भी तो वो चलती है कि आप मांगलिक हो। हाँ, मांगलिक क्या होता है, मतलब वही मांगलिक, हाँ, ऐसा होता है मांगलिक में कि अगर कोई है मांगलिक तो पार्टनर की डेथ हो जाती है। हाँ, पार्टनर की डेथ हो जाती है। उसमें देखो क्या होता है कि इसका बहुत तगड़ा वो चल रहा है अपने इंडिया में कि भाई वो तो अरे मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, इस धरती पर पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उनकी 12 राशियां हैं और 12 ही कुंडलियों में भाव है और केवल 9 ग्रह हैं, ठीक है। अब मंगल कहाँ कहाँ बैठेगा तो मांगलिक बनाएगा, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और व्यय भाव में, यानी 1, 4, 7 लग्न 8, मतलब एक होता है। हाँ, लग्न का मतलब एक है, तो 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव, द्वितीय भाव, हाँ, द्वादश भाव, 12वें भाव में इन जगहों पर बैठेगा तो व्यक्ति को मांगलिक कर देगा। अब ये है क्या, मांगलिक दोष नहीं है एक तरीके से देखा जाए, जब तक आपकी विवाह नहीं हुआ ना तब तक यही मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। बट जब विवाह करने जाओगे ना, और अगर अपोजिट पार्टनर अगर आपका मंगली नहीं हुआ तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो वो पॉजिटिव है ना, परेशान किसको करेगा, अपोजिट को। तो मांगलिक वाले जितने लोग होते हैं ना उसमें कैलकुलेशन ये रहती है, 1, 4, 7, 8 और 10। अब कुंडली में कितने भाव है, 12 में से 5 भाव ऐसे हैं जिनमें मंगल बैठ गया तो व्यक्ति मंगली हो गया, यानी कि अगर देखें तो कितना परसेंट रेशियो आ गया, लगभग 50% के समथिंग का रेशियो चल रहा है, मतलब 50% लोग मांगलिक होने के चांस। अब इसमें भी दो चीजें हैं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग द्वितीय भाव के मंगल को नहीं मानते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है, बट साउथ इंडिया में मानते हैं। बट मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो वाकई में वो फल देता है मांगलिक होने के, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मानते नहीं है इस चीज को। विवाह टूटते हैं, घर टूटते हैं, तलाक होते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि मांगलिक अगर हो और आपकी शादी नहीं हुई तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट कैसे करता है, मतलब क्या सपोर्ट ऐसे अच्छा करेगा, देखो मंगल अगर आपका अच्छा है सप्तम में बैठा है तो वो लग्न को देखेगा, आपकी शारीरिक क्षमताएं बहुत हैवी होंगी, लग्न में बैठा है तो आपकी शारीरिक फुर्ती बहुत ज्यादा होगी, क्रोध ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा दिलाएगा, बट आपको कई जगह पर सपोर्ट करेगा। देखो शरीर चलता कैसे है, मन से और शारीरिक ऊर्जा से। आपका जिस दिन दिमाग खराब हो ना, किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, पहली चीज है मन। दूसरी चीज है, अरे यार आज तबीयत खराब है, आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा, शरीर ही डाउन हो गया हमारा,
लग्न में बैठ गया ना मंगल, शारीरिक ऊर्जा आप उसकी कभी कंप्लीट डिफीट नहीं दे पाओगे उस व्यक्ति को। अच्छा। ध्यान, हाँ, जिसका मंगल लग्न में बैठा है, जिसके सप्तम में बैठा है। बट इसमें होगा क्या कि जिसके लग्न, हाँ, विवाह में अवरोध डालेगा बट आपके इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद रहेगा, ये ध्यान रखें। जैसे आप मांगलिक के बारे में पूरा बता रहे हैं, तो जैसे किसी को प्रेम विवाह कर रहा है कोई, तो उसमें मांगलिक के रिलेटेड ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास, कि आपके पास बाद में कोई स्टोरी आपने देखी उनकी शादी के बाद देखा हो, आपको असर देखा हो उसका? हाँ, देखो इस पर मुझे एक कुंडली याद आ रही है। एक पति पत्नी आए थे मेरे पास, वो यहीं के हैं। तो पति पत्नी आए, उनके बच्चे हैं काफी बड़े बड़े। जिस समय वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए थे, उस समय शायद बच्चे उनके 12 साल से ऊपर के थे। तो एक दिन वो कुंडली लेकर आए पति पत्नी, पति थोड़े उनके परेशान थे। तो कुंडली लेकर आई पत्नी और पति को लेकर आई कि पंडित जी थोड़ा कुंडली देखो, पति हमारे बहुत परेशान हैं, ऐसा वैसा व्यापार वगैरह धंधा वगैरह नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुंडली देखा। अब देखो मैं इसमें बताऊँ, कुंडली देखने के ना कुछ तरीके होते हैं। कई लोग कुंडली देखते हैं कि मैंने पूछा पंडित जी ये तरीका है, ये परेशानी है, इसका कुछ उपाय बताओ, तो पंडित जी ने तो वो तरीका देके आपको उपाय बता दिया और अपनी दक्षिणा ली, चलते बनो। अब आप उसको फायदा मिले नहीं मिले उससे पंडित को मतलब नहीं है। और दूसरा तरीका ये होता है कि लोग चाहते हैं कि भैया हमें पता तो हो कि आखिर ये रीजन क्या है, इसमें ये घटना क्यों हो रही है, मतलब जो लोगों को विश्लेषण चाहिए उनको, डीप में नॉलेज चाहिए उनको कि आखिर कुंडली में ये क्या फैला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे बोला पंडित जी दक्षिणा हम कितनी भी देंगे बट हमें सारी चीजें जाननी है कि क्या मैटर है हमारे किताब, हाँ, सब कुछ जानना है। मैं तो मैंने कहा देखो मैं तो सब कुछ बता दूंगा बट आपका दिल इतना मजबूत है जो सुन सके? बोले नहीं नहीं हम तो सब सुन लेंगे। तो वो पति पत्नी बोले नहीं आप तो भैया हमें सब बताओ। तो मैंने कहा ठीक है मुझसे सब पूछ लो। तो मैंने उनको प्रॉपर्टी का, रोजगार का, काम धंधे का, पारिवारिक रिश्ते वगैरह सब कुछ बताया। लास्ट में आकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी अब एक चीज और बताओ कि हम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहेंगे। तो मैंने कहा ये चीजें मत पूछो, थोड़ा ज्यादा डीप में हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हैं आपके। तो मैंने उनको ये चीज जरूर बोली, मैंने कि अच्छा ये बताओ दोनों की कुंडलियों में प्रेम विवाह का योग है तो आप दोनों ने आपस में प्रेम करके ही विवाह किया है या फिर मतलब अलग अलग कुछ था और अरेंज मैरिज करी है? बोले नहीं नहीं हम दोनों का ही प्रेम करते तो हमने ही प्रेम विवाह किया अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके। मैंने ठीक है, दोनों की राशियां सेम है, तुला राशि है दोनों की। अब हुआ क्या कि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ऐसा है मैडम कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है, हालांकि दोनों की राशि सेम है बट लग्न वगैरह और ग्रहों की स्थिति अलग है बट केवल राशि सेम है। तो मैंने कहा मैडम आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है, उनकी में भी है बट आपकी कुंडली में एक और योग है। बोले क्या? तो मैंने कहा मैडम निकट भविष्य में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब मौत के समान आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है कि आप बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंचने वाले हो बट मरोगे नहीं, तो वो मृत्यु तुल कष्ट हो जाते हैं। और अगर मार्केश अगर आ गया है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो मैंने उनको बोला मार्केश कौन होता है? मार्केश होता है, फिर वही बात है, मार्केश का मतलब होता है कि इस धरती पर पैदा होने वाला व्यक्ति कब मरेगा, किसके द्वारा मरेगा और किस कारण से उसकी मृत्यु होगी, ये मार्केश ही डिसाइड करता है। तो हर व्यक्ति की कुंडली में मार्केश अलग होता है, उसकी मरने की स्थितियां अलग होती हैं, कारण अलग होते हैं, हर चीज अलग अलग होती है। आप कुंडली देख के बता सकते हो, कुंडली देख के पता चल जाती है कि ये कहाँ मरने वाला है। और कब आपको कुंडली देख के पता चल जाता है? कुंडली देख के पता चल जाती है बट कभी भी हमने ज्योतिष शास्त्र में ना, हमारे वराह मिहिर करके एक ऋषि हुए हैं, तो उनकी एक संहिता है वराह संहिता, तो उसमें उन्होंने एक चीज लिखी है दैवज्ञ को कैसा, दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी को कैसा होना चाहिए। तो ज्योतिषी जो होना चाहिए वो सारे नियम है उसमें, एक चीज है कि कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं कि क्या रीजन है मृत्यु की घोषणा क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के काम में कभी भी खलल नहीं डालना चाहिए। हाँ। तो इतना ध्यान रखना, आप धरती पर आए, ऊपर वाले ने भेज दिया, अब वो आपको वापस बुला रहा है। अब मैं आपको बता दूं भैया तुम्हारी इस तारीख को मतलब ये इस महीने से इस महीने या इस छह महीने के हमें आपकी डेथ हो जाएगी, तो मैं कौन होता हूँ यमराज के काम को रोकने वाला? तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, नुकसान तो वो आप ही को पहुंचाएंगे जिसकी कुंडली में योग निकल रहा है। बट होगा क्या कि इसमें इसको बोलते हैं कि अपन लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना हाय लग जाना, नजर लग जाना। तो आपने ईश्वर के काम में नजर लगा दिया, क्या जरूरत थी उसको बताने की? जन्म और मृत्यु ये अचानक वाले काम है, आकस्मिक काम घटनाएं होती ना, ये आकस्मिक घटनाएं हैं, उसके बाद हम जीवन में सारी घटनाएं प्री प्लान होकर के करते हैं बट मृत्यु और जन्म ये केवल वो देता है, उसके हिसाब से चलती है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैडम आपकी कुंडली में आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है। तो बोले ये क्या होता है? मैंने कहा कि
कुछ ऐसी घटना होगी जिसमें आपको या तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बहुत लंबी दवाई चलेगी, ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, एकदम मौत के मुंह में पहुंचने वाले होगे, बट होगा कुछ नहीं, आप वापस आ जाओगे ठीक होगे। तो बोले ऐसा होगा? बोले हाँ। तो बोले भैया कब होगा ये बताओ मुझे। तो मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, टाइम आने वाला है। तो बोले ठीक है, एक साल दो साल निकले, अब मुझे तो जानकारी नहीं भाई, मेरे पास कोई कुंडली लेकर आया है, कुंडली दिखाई और चला गया, मैंने तो आपको बता दिया। अब आपके साथ परेशानी सही हो गई होगी तभी आपने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया, अब दोबारा परेशानी होगी तो आप मुझे दोबारा फोन करोगे, नहीं आया तो मैं समझा कि ठीक हो गया सब। अब साहब उनका मेरे पास फोन कब आया, जब मेरे मैं किसी काम में बिजी था, तो इनका मेरे छोटे भाई के पास फोन आया कि वो ऐसी ऐसी बात है पंडित जी फोन नहीं उठा रहे हैं और हमें पंडित जी से मिलना है अर्जेंट। तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? बोले नहीं हमें बहुत अर्जेंट में मिलना है, आज ही मिलना है, कुछ भी करो उनका टाइम लो, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए और कुछ भी करना है, आज ही मिलना है। बोले वो तो नहीं मिल पाएंगे, ऐसे ऐसे बाहर जाना, उन्हें जैसे तैसे मेरे से टाइम लिया, अब वो आए घर पे। तो घर पे आई, वो अकेली आई, तो आई कुंडली दिखाई, आकर के बैठ गई, बोली पंडित जी देखो क्या निकला है मेरी कुंडली में। तो मैंने कुंडली देखी तो बोली अब बताओ आगे क्या है, पिछला तो हम सब देख चुके, अब आगे का बताओ आप। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा मैडम मुझे ये बताइए कि पिछले का जो मैंने बताया था शारीरिक कष्ट मृत्यु तुल कष्ट, वो घटना घटित हुई, मेरे को जहां तक लग रहा है वो घटित हो जानी चाहिए। तो बोली आपको क्या लगता है? मैंने कहा मैडम मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो घटना घटित हो जानी चाहिए, आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और क्या हुआ है आप मुझे क्लियर बताओ आप, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रह बोले और मैं झूठ बोल जाऊं। वो रोने लगी। अच्छा हाँ जी पंडित जी, ऐसी ऐसी बात हुई, हमने प्रेम विवाह किया और उसके बाद में हम दोनों में ऐसी अनबन हुई कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और ऐसा वैसा, और फिर इतनी बात बिगड़ गई कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। अब मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया और मेरी दो बच्चियाँ, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। तो वो तो ये कहो कि मेरी बच्ची ने घर पे फ़ोन कर दिया तो मेरे मायके वाले आ गए और ऐसे ऐसे, फिर मुझे हॉस्पिटलाइज कराया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले चांस नहीं है, बहुत लेट हो गया, इनको तो दिल्ली ले जाओ। फिर दिल्ली ले गए तो मैं करीबन एक डेढ़ महीना वहाँ भर्ती रही। तो अब मुझे डॉक्टरों ने बोला है कि खतरे से तो बाहर हो, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई कुछ भी बोले इस कान से सुन के उससे निकाल देना, ऐसा वैसा सब कुछ बोला है। बट भैया अब आप मुझे ये बताओ कि आगे का जीवन मेरा कैसा है, मेरे दो बच्चे हैं, मैं कैसे जीऊंगी, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मैडम कुछ नहीं है, जो होना था ना वो हो चुका अब। तो बोले कि क्या मेरा इनके साथ डिवोर्स है? मैंने नहीं है, डिवोर्स नहीं हो पाया, नहीं है, तलाक ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, तलाक जो चीज नहीं है तो सब कुछ दिख जाता है। हाँ सब, मैंने कि तलाक नहीं है इनके साथ। तो बोले लेकिन मैं इनके साथ नहीं जीवन यापन नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैडम आप भले ही अलग हो जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बट डिवोर्स नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ डिवोर्स है, आपको इन्हीं के साथ रहना, वो बहुत लंबा जीवन जीना है इनके साथ, अभी तो ये घटना होनी थी, इसके बाद आपको बहुत अच्छे समय गुजारने इनके साथ। तो बोले मैं तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, ये वो दुनिया भर की बात। और फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम डिवोर्स नहीं है, आप जो सोच के आए हो वो घटना नहीं हो सकती, तो नहीं है। फिर मुझे सुनने में आया था कि शायद वो काफी अच्छे पद के लिए उन्होंने ट्राई किया कुछ समय पहले, हाँ उसके लिए भी मुझे फोन किया था उन्होंने कि पंडित जी मेरी कुंडली देख के बता जा सकती हूँ। तो मैंने कहा मैडम योग तो नहीं है? तो बोले आप कुछ भी कर सकते हो, आप तो मुझे करके दो। तो मैंने कहा देखता हूँ टाइम निकाल के बताता हूँ। फिर लेकिन मैं बता नहीं पाया उस समय, शायद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म फिल किया कि नहीं किया, उसके आगे की कहानी मुझे पता नहीं है। मतलब ये घटना वाकई में ऐसी निकली कुंडली में कि लोग आजकल बोलते हैं ना प्रेम विवाह, हम जीवन गुजार लेंगे, रहना तुम्हारे साथ मरना तुम्हारे साथ, सब धोखलेबाजी है, सब धोखा है। जिस दिन आपका ग्रह आपका खराब हुआ ना, इस धरती पर कोई भी आपको बचाने के लिए खड़ा नहीं। एक चीज पूछनी है, जैसे आप कह रहे हो कि ग्रह के कारण होता है, आपको कैसे पता कि ग्रह के कारण है? अगर आपने कोई किताब पढ़ी तो वो किताब में किसी ने क्यों लिखा और कैसे लिखा? मतलब कुछ तो किसी को कुछ तो पता पड़ा होगा ना कि ये ग्रह ऐसे बोल रहा है, या तो उन्हें ऑब्जर्व कराओ बैठ के कि अच्छा ये ग्रह ऐसे करेगा, तो कुछ तो रीजन होगा। मतलब वो किताब में भी कैसे आई वो ज्ञान? वो किताब में ऐसे आई, आपने देखो पढ़ा होगा क्या बोलते हैं हमारे चार वेद हैं, तो हमारे वेदों में ना ऋचाएं दी गई हैं, मतलब हम संस्कृत में श्लोक बोलते हैं उनको, तो वो हैं संस्कृत में ही और हैं श्लोक ही, बट वो वेद में हैं इसलिए हम उन्हें ऋचाएं बोलते हैं। तो वेदों में ना ऋचाएं दी गई हैं, उसमें नवग्रहों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया, हर वेद में अलग अलग बताया गया। स्मृतियां हैं हमारी, देखो चार वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, और हमारे बाकी तो जो नॉर्मल किताबें हैं कोई भी पढ़ लिख के जो छाप रहा है वो चली रहे हैं। तो इनमें ना ज्योतिष के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब था क्या कि ये जो किताब वाली बात आपने की है, तो वेद हमने तो नहीं लिखे,
किसी और नहीं लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं और बहुत कालखंड पहले लिखे हैं, युगों युगों पहले लिखे गए हैं, जितने भी वेद लिखे गए हैं ना। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे गायत्री मंत्र का जाप हम लोग करते हैं, ठीक है, सब लोग उठे ओम भूर्भुवः स्वः करके मंत्र जाप करने लगे, बट भैया उसको जपने की एक पूरी विधि है। गायत्री मंत्र लोग बताते नहीं है, आपको बोल देंगे कि आप एक काम करो भाई, आप गायत्री मंत्र का जाप करने लगो, लेकिन उसका तरीका क्या है आपको पता है? इस कलयुग में कोई भी ऐसा श्लोक या स्त्रोत ऐसा नहीं है जो शापित ना हो। हाँ, सारे श्लोक दुर्गा सप्तशती हमारी जो है, जिसको हम लोग नौ दुर्गों में पाठ कराते हैं ना, नौ दिन के पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती शापित है। उसके पीछे का रीजन है कि जो किताबों में लिखा है ना, किताबों में आप वेद पढ़ोगे ना तो उन वेदों में इतने हैवी हैवी श्लोक लिखे हैं कि आप उनका अगर रोज नियमित रूप से अगर पाठ करने लगो तो आपकी जिंदगी यहां से वहां हो जाए, इतने हैवी इतने पावरफुल मंत्र हैं। तो अब उन मंत्रों का कोई गलत फायदा ना उठा ले कलयुग में। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए जिन ऋषियों ने उन मंत्रों की रचना की लिखा है ना, उन्होंने ही उन मंत्रों को शापित कर रखा है कि अगर आपको इनका मंत्र करना है और इनको इनका फल लेना है तो भैया पहले शापोद्धार विधि करिए पहले इन मंत्रों की। तो गायत्री मंत्र शापित है, गायत्री मंत्र जाप करने से पहले शापोद्धार विधि की जाती है, उसके बाद में हम मंत्र जाप करते हैं। ऐसे सारे शापोद्धार विधि क्या होती है? शापोद्धार विधि का मतलब होता है कि जैसे हम सुबह उठे तो नहाते हैं ना सबसे पहले, फिर उसके बाद ईश्वर की पूजा करते हैं, ऐसे ही कोई भी स्त्रोत हो, कोई भी मंत्र हो, अब वो भी छोड़ो, घर घर में ठाकुर जी होते हैं, तो आज हमने सुबह उठे होंगे तो ठाकुर जी का स्नान कराया होगा, ठीक है, उनको वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया, ये सब कुछ किया होगा। सेम ऐसे ही जब हम किसी स्त्रोत से किसी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो पहले उस मंत्र को शापित से मुक्त करना पड़ेगा और हमने उसी ऋषि से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी और अपना बताना पड़ेगा कमिटमेंट, क्या रीजन है जिस वजह से हम इस मंत्र का या इस स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, तब वो मंत्र हमें अपना रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आपने एक चीज और देखी होगी, मंत्र रिजल्ट नहीं देते, लोग करते जा रहे हैं, माला जप रहे हैं, पंडित जी ने बताया था हमें, तो वो शनि का मंत्र जप लो, कहीं मंगल का मंत्र जप लो, पर फायदा होगा नहीं ना, आप विधि फॉलो नहीं कर रहे हो। इसमें एक और चीज है, जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसे कई पंडित कहते हैं कि ये रिंग पहन लो आप तो आपका शुक्र से हो जाएगा, ये रिंग पहन लो शनि से हो जाएगा, कई तरीके की रिंग्स होती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, ये चीजें होती भी हैं, क्या होता है, इस चीज के बारे में बताओ। देखो क्या होता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे नौ ग्रह हैं, बारह भाव हैं, तो अब होता क्या है कि चंद्रमा सूर्य मंगल बुध गुरु सबके अपने अपने रत्न हैं। अब जो ग्रह आपका पहले से ही अच्छा है, बाय डिफॉल्ट जिसको मैंने बोला ना आईटी की भाषा में हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नैसर्गिक बोलते हैं हम लोग, नैसर्गिक, जो ग्रह आपका नैसर्गिक रूप से पहले से ही अच्छा है उसका रत्न अगर आप नहीं पहनेंगे तो इतना नुकसानदायक बात नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी तो कृपा पहले से ही आपके ऊपर है। बट जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने वाला है या पहुंचा रहा है, लेकिन वो अच्छा ग्रह है बट किसी रीजन से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें उसका फिर रत्न धारण करना पड़ेगा कि भाई हमें उसके अच्छे फल चाहिए। अब उसमें होता क्या है, किसी ने बोल दिया आप मूंगा पहन लो, तो भाई मूंगा हर कोई नहीं पहनता, जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति पॉजिटिव होगी उसी को मूंगा पहनाएंगे, अन्यथा नहीं पहनाएंगे। अगर जिसकी में बुरी होगी उसको मूंगा पहना दिया, जिसकी कुंडली में, अब मूंगा के लिए नहीं, किसी भी ग्रह की आपको अगर अंगूठी पहननी है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाएं, उसमें उस ग्रह की जो स्थिति अगर आपके लिए पॉजिटिव होगी तो ही आपको रत्न पहनना है, ऐसा नहीं है कि पहन लिया। एक आपने आजकल देखा होगा, एक चीज बहुत होती है, इस उंगली में सब लोग सफेद रंग का रत्न पहन के चलते हैं, पूछो तो मोती है, मोती है, काय के लिए पहना है? अरे पंडित जी ने बताया गुस्सा बहुत आता है मुझे, गुस्सा बहुत आता है। अरे भैया गुस्सा आता है तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें मोती पहनने से ठंडा हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब आपने रत्न पहन लिया बट वो फायदा नहीं कर रहा है, तो या तो आपने पूरी विधि नहीं फॉलो की या वो ग्रह आपकी कुंडली में फायदा देने वाला है ही नहीं है, आपने नुकसान ही देना है। हाँ, एक चीज और देखी होगी कि कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनके रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग देखना, कई लोग कैट आई करके एक लहसुनिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कैट आई करके एक रत्न आता है उसको पहन लेते हैं, केतु का होता है वो, वो दिखता कैसा है, वो केतु का होता है रत्न, दिखता कैसा है वो, दिल्ली की यहाँ कैसा होता है, मतलब ऐसा हरा हरा टाइप का दिखेगा, अलग अलग सी चमक होती है उसमें, लहसुनिया बोलते हैं हिंदी में, कैट आई उसको पहन लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो राहु का रत्न पहन लेते हैं, इस उंगली में, मिडिल फिंगर में
देखो हर ग्रह की एक उंगली है, तो आप अगर मिडिल फिंगर में नीले रंग को छोड़ के कुछ और रत्न पहने हो, मतलब कोको कोला कलर का टाइप का पहने हो, आप समझ लो उसमें गोमेद पहना हुआ है उसने। किस लिए पहना हुआ है? राहु के लिए। और राहु आपके बवंडर लगा देगा जीवन के। अच्छा हाँ, देखो राहु अगर अच्छा है तो आपको बहुत यश, वो ऐश्वर्य देगा, बहुत ऐश्वर्य देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। बट अगर राहु खराब आ गया तो आप उसकी दरिद्रता नहीं झेल पाओगे। अच्छा, ये फैक्ट है। इसीलिए, और दूसरी चीज, मैंने तो जितना अभी तक देखा है वो यही देखा है कि जन्म के बाद से लेके 25 साल की आयु के बीच में ही अधिकतर बच्चों पर या युवाओं पर ही राहु की महादशा आ जाती है, 18 साल की होती है। और अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, बिगड़ता जा रहा है और ऐसी आदतें कर रहा है जिस जो खुद आपको पता नहीं चल रही, बाहर वाले आपको बता रहे हैं, तो आप ये तय मान के चलना कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की महादशा स्टार्ट हो गई या चल रही है। आपकी बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो राहु की महादशा की छत्र छाया में जा रहा है। व्यक्ति सिगरेट पीने लगा है, तंबाकू खाने लगा है, गुटखा खाने लगा है, ये सब राहु के नशे हैं। तंबाकू का स्वामी है भाई वो। पर अंगूठी कैसे मतलब फायदा देगी? अंगूठी ऐसे फायदा देगी, या तो मेरी अंगुली से जुड़ गई इसलिए फायदा दे रही है? नहीं, अंगूठी में क्या होता है, सपोज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शुरू में बताया था कि शनि का नैसर्गिक गुण है दुख देना। शनि दुख देते हैं, बट अगर वो आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको वो इतना सुख देंगे कि कोई भी 8 ग्रह उसमें रुकावट नहीं डाल सकते। फिर ये रखना, और बृहस्पति का नैसर्गिक गुण है सुख देना, ठीक है, बट अगर वो दुख देने पे आ गए तो फिर कष्ट झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं भैया, ठीक है। अब वो कष्ट दे रहे हैं तो कौन सा ग्रह बोलेगा, नवग्रह उन अंडर में उनके। तो अब सपोज एक उदाहरण देखते हैं कि आपकी कुंडली में, उदाहरण के लिए देखते हैं कि बृहस्पति आपका भाग्येश निकल के आया या लग्नेश निकल के आया। आप कुंडली लेके मेरे पास आए, मैंने आपको बता दिया, मैंने भैया एक काम करो, आप इस उंगली में पुखराज पहन लो सोने की अंगूठी में बनवा के। आपने बोला ठीक है पंडित जी पहने लेते हैं, आपने पहन लिया। अब विधि बताई नहीं मैंने, आपने तो बस बोल दिया मैंने कि पहन लो जाके, आपने पहन ली। अब वो रत्न आपको फायदा नहीं करेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिद्ध नहीं किया है। अब आपको मैंने विधि पूरी बता दी, सिद्ध कर लिया मंत्र आपने, सिद्ध करने के बाद में जब आपने इसमें पुखराज पहन लिया, अब वो फायदा कैसे देगा? वो फायदा ऐसे देगा कि बृहस्पति या तो लग्नेश निकला, एक उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ, लग्नेश निकला तो मैंने बोल दिया, या भाग्येश निकला ताकि आपका जीवन तरक्की पर करे। बट अगर बृहस्पति की स्थिति कहीं खराब है तो हम ये चाहते हैं कि बृहस्पति हमारा भाग्येश है बट उसकी स्थिति खराब ग्रह में है, खराब भाव में, तो हमें निगेटिव फल कम दे। तो हमने आपको रत्न सजेस्ट कर दिया, आपने वो अंगूठी पहन ली। अगर सिद्ध करके सारी विधि से पहनी है तो अब होगा क्या, जैसे ही आपने वो इस अंगुली में पहनी तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी जैसे ही इस रत्न पर पड़ेंगी, हमारी बॉडी पे तो पड़ेंगी, जैसे ही वो इस रत्न पर पड़ेंगी, वो नीचे से निकल के, आपने देखना ऊपर से रत्न खुला रहता है और नीचे की तरफ जो टच होती है स्किन से हमारी, वो हिस्सा भी खुला रहता है। तो रोशनी पड़ेगी, रोशनी उस रत्न से निकलकर हमारी बॉडी से टच होगी और वो बॉडी हमारी में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी को लेते रहते हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित पट, सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा। ऐसे ही हर ग्रह के कुछ गुण होते हैं, हर ग्रह पॉजिटिव ही नहीं होता, अच्छा ही नहीं देता है। जैसे बृहस्पति का मैंने बोला नैसर्गिक गुण है सुख देना, तो भैया ऐसा नहीं है कि वो सुखी सुख देगा, उसमें कुछ निगेटिव तत्व भी हैं। तो जब वो आपको पॉजिटिव चीजें देगा तो वो अपने निगेटिव जो अपने भाई साथ में है तो वो भी तो देगा ना आपको फल। इसीलिए मैं अधिकतर लोगों से ये बोलता हूँ कि भाई आप अगर अंगूठी पहनोगे अपनी किसी भी उंगली में उस ग्रह से संबंधित, तो अपना इतना बस याद रखना कि वो ग्रह अपने साथ पॉजिटिव चीजें लाएगा अपनी, तो उसके साथ एक चीज तो निगेटिव आएगी ही आएगी। और हर ग्रह के साथ एक चीज जो निगेटिव है ना वो बहुत तगड़ी है, हर ग्रह के साथ अलग अलग चीजें हैं निगेटिव। चंद्रमा बहुत पॉजिटिव हो जाए बट अगर वो निगेटिव हो गया ना तो इंसान को आत्महत्या में कुदवा देगा और ऊपर पहुंचवा देगा अगर चंद्रमा निगेटिव हो जाए। जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, भले ही वो मोती पहने हो, भाई आप मोती पहने हो फिर भी आत्महत्या कर रहे हो, क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से आप मन को तो शांत कर लेते हो, लेकिन ग्रह जो आए हैं जो उस चंद्रमा को शांत नहीं होने दे रहे हैं, अब कैसे करोगे? तो निगेटिव चीज चंद्रमा की है अशांति फैलाना, मन को, मन अशांत हुआ किसी भी चीज से बुरा लगा खत्म कर दिया। ऐसे ही हर ग्रह अपने साथ पॉजिटिव के साथ निगेटिव लाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अंगूठियां ना पहनते हुए आप इनकी जड़ी बूटियों को धारण करो। एक तो क्या है कि ये फ्री में होती हैं, फ्री में नहीं मिल रही हैं आपको कहीं जंगल या कहीं बाग में या कहीं भी उसमें नर्सरी में,
तो सबसे अच्छी जगह है कि आप पंसारी की दुकान पे जाइए। हाँ। और पंसारी की दुकान पे बोल दो भैया हमें ये जड़ी बूटी चाहिए, वो आपको तुरंत वो जड़ी निकाल के दे देगा। और बस विधि मैं बता रहा हूँ आपको, उस विधि से आप धारण कर लो। आप जड़ी बूटी से नेगेटिव चीज नहीं आती, जड़ी बूटी उस ग्रह की पॉजिटिव चीजें ही देती है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि लोगों को अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, जड़ी बूटी पहननी। अंगूठी पहनने का चलन भी मैं बता दे रहा हूँ आज की तारीख में क्यों है। आज से पहले नहीं था इतना दिखावा। मैं सोने, अरे भैया वो सोने की पहने अंगूठी, अच्छा पंडित जी हमें भी कोई अंगूठी बताओ। ठीक है बेटा तुम एक काम करो ये पहन लो। तो लोग पूछते हैं, जैसे मैंने किसी को अंगूठी सजेस्ट की, मैंने कहा भाई तुम एक काम करो माणिक पहन लो। दो ऑप्शन है, या तो तांबे में पहन लो या फिर आप उसमें सोने में पहन लो, आपका बजट जो अलाउ करे आप उस हिसाब से पहन लेना। मैंने तो आपको ये बोल दिया पंडित जी तांबे में सही नहीं लगेगी, सोने में कैसा फल देगी। तो मैं भाई यही बोल देता हूँ कि भाई आपकी बजट के ऊपर है, फल दोनों में बराबर ही है। तो ये जो अंगूठियां दिख रही ना, इसमें पहने उसमें पहने, अरे भैया ये कछुए की अंगूठी पहन रहे हैं लोग आज की तारीख में। पता नहीं कहाँ से ये ट्रेंड निकला है, चांदी की चली पहले, पता नहीं किस चीज की निकली, फिर उसके बाद चांदी की कछुए की अंगूठियां आने लगी, फिर उसके बाद अब कछुए का कुछ रिलेशन नहीं होता। एक पैसे का अगर वो कछुए की अंगूठी आपको अगर फायदा दे रही हो ना भाई, तो मुझे बताओ मैं सबको पहनवा दूंगा, खुद भी पहन लूंगा दसों उंगलियों में। अगर तुम पहनने लगे हो, घोड़े की नाल पहनते हैं जो, हाँ घोड़े की नाल पहनने का थोड़ा सिस्टम अलग है। घोड़े की नाल का सिस्टम ये है कि वो शनि के लिए है, और वो अकेले घोड़े की नाल का नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे जीवन को पार ले जा सके और जिसका संबंध भले ही शनि से हो चाहे ना हो, जो हमारा बेड़ा पार कर सके, जैसे कि घोड़ा है। अब काला घोड़ा इसलिए क्योंकि वो काला रंग शनि का है, इसलिए हमने काला घोड़ा बोला। तो काले घोड़े की नाल इसलिए क्योंकि वो काला रंग शनि का है, तो वो काले घोड़े की नाल, घोड़ा क्या चलता है तो उसकी खुर में नीचे नाल लगा दी जाती है, तो वो घिसती रहती है, चलते 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 घिसने लगेगी। तो वो लॉजिक ये निकला है कि जैसे घोड़ा रोज चलता है और नाल उसकी घिसती जा रही है, बट वो चल तो रहा है ना, नित्य प्रतिदिन चल रहा है, तो ऐसे ही हम उसकी नाल पहन लेंगे तो हमारे जीवन से कष्ट निकल जाएंगे और हमारा जीवन चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ये एक लॉजिक है जो शनि की काले घोड़े की नाल पहनते हैं। नाव की कील पहनाई जाती है, वो इसलिए पहनाई जाती है कि नाव क्या है, नदी में प्रवाहित हो रही है, समुद्र में चल रही है, तो वो नाव एक छोर से दूसरे छोर पर, यहाँ से किसी व्यक्ति को, यात्री को या किसी भी व्यक्ति को उठाया और उसको दूसरी जगह ले जा करके मझदार को पार कराकर दूसरी तरफ छोड़ दिया। तो आज की तारीख में हम कष्ट में हैं, शनि की साढ़े साथ ही दैया चल रही है, हम कष्ट में हैं, हमारी जीवन की नैया भंवर में फंसी हुई है, भंवर यानी नदी के भंवर में फंसी हुई है, हमारी जीवन की नैया डावाडोल हो रही है। तो अब क्या है, तो लॉजिक ये लगता है इसमें कि भैया एक काम करो, आप नाव की कील की अंगूठी बनवा के, छल्ला बनवा के लोहे का, उसको आप धारण कर लो, उसको आप पहन लो ताकि शनि आप पर कृपा करने लगे। तो लॉजिक यही है कि शनि आपको परेशान ना करें क्योंकि आपने लोहे का छल्ला शनि की मध्यमा उंगली में धारण कर दिया है। फायदा करते हैं वो, वाकई में फायदा करते हैं, बट अब आपने जो पूछा था ना फायदा करते कि नहीं करते, नीलम एक ऐसा रत्न है, शनि देव का रत्न है, और नीलम एक ऐसा रत्न है कि आपने यहाँ पहना और वहां उसको अगर पॉजिटिव देना होगा तो तुरंत दिखा देगा कि हाँ पॉजिटिव है, और अगर निगेटिव देना होगा तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, क्योंकि निगेटिव तो शनि का कोई नहीं झेल पाता, महादेव भी नहीं झेल पाए। मैं ये पूछ रहा था कि महादेव भी निगेटिव नहीं झेल पाए। अभी रिसेंटली में बजरंग बाण के बारे में बहुत बात होती है, कोई कहता है कि बजरंग बाण अगर आप बोलोगे या फिर आप उसको वो करोगे प्रार्थना, तो आपके साथ बुरा होगा, और कोई कहता है बहुत अच्छा बुरा होगा, मतलब कुछ आपके साथ दुर्घटना हो सकती है फिर आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं देखो, ये तो डिबेट सी चल रही है अभी। अच्छा, बजरंग बाण को लेकर के। अब मैं इसमें देखो एक चीज बताता हूँ, अब ये क्या डिबेट चल रही ये मुझे नहीं पता है, बट इसका एक लॉजिक बड़ा तरीके से बता रहा हूँ मैं। शनि देव हमारे कर्मों के फलदाता हैं। कोई कुंडली लेकर के आया, मैंने उनको बताया कि भैया आपकी कुंडली में ढैया निकली है, शनि की साढ़े साथी है, या फिर शनि की महादशा है, 20-19 साल जो भी आपकी चल रही हो, शेष रह गई हो या शुरू होने वाली हो, तो मैंने आपको बता दिया भाई आप शनि देव के उपाय करो। शनि देव का नाम सुनते ही ना व्यक्ति कांप जाता है, नहीं हम पे नहीं हो पाएगा, शनि देव से तो दूर रखो, हनुमान जी की पूजा कर लें। तो आज की तारीख में पंडित लोग और ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, तो एक काम करो ठीक है हनुमान जी की पूजा कर लो, तो महाराज बताओ क्या करें, एक काम करो तुम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो, रोज एक पाठ करो, शनि तुम्हें बाल बांका नहीं कर सकते। अरे भाई कैसे नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं क्या शनि, नहीं चल रहे ना, किसी
शनि देव किसी के कहने पे नहीं चलते हैं। शनि देव की रचना ही महादेव ने इस किस लिए की, उसकी एक बहुत व्यापक स्टोरी है, और शनि क्या क्या गुल खिलाते हैं उसकी बहुत एक व्यापक है, पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ पूरा एक दिन बोलता रह सकता हूँ उस पर। शनि की ये महिमा है कि आपको वो कचरे से उठाकर ना आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं, बट कोई शनि को समझना नहीं चाहता। अब है क्या कि पंडित जी ने बोल दिया हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, रोज एक पाठ करो, आपको शनि बाल बांका नहीं करेंगे, बजरंग बाण का पाठ कर लो, शनि आपका कुछ नहीं करेंगे। क्यों? तो उस पर लॉजिक ये है कि शनि महाराज ने हनुमान जी को कमिटमेंट दी हुई है, अपनी भाषा में बोले कमिटमेंट दी हुई है कि जो भक्त आपकी पूजा करेगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। ओहो क्या बात है भाई, ईश्वर यानी देवता अपने वचन से बंधे हैं। मैंने माना, ये बात मैं मान रहा हूँ कि शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, साढ़े सात ही रहिया में। लेकिन ये गारंटी नहीं दी है कि आपका भक्त अगर आपकी भक्ति करने के साथ साथ अगर कुकर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, तो उसको सजा नहीं दूंगा। हनुमान जी ने ये कमिटमेंट नहीं दिया है शनि देव को कि हाँ ठीक है तुमने मुझे बोला तो ठीक है, अब कोई भी कुछ भी गलत करे तुम उसको कुछ टच मत करना। ना, शनि देव ने कमिटमेंट दिया है, हनुमान जी का कमिटमेंट नहीं है कि वो मेरी पूजा करा तो तुम उसको फल नहीं दोगे। नहीं, फिर तो ये भगवान की रची जो दुनिया है इसकी पूरी तामझाम जो फैले हैं वो तो सब बिगड़ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि घर पे आए, शनि ने परेशान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का उठे अगले दिन हनुमान जी के बाबा बाबा महादेव, हनुमान जी जय हो प्रभु, राम राम राम। अरे भाई कुछ नहीं होना इनसे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया आधे घंटे एक घंटे बैठ के, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, बजरंग बाण का पाठ कर लिया, और फिर शराब पी रहे हो, गरीबों को सता ही रहे हो, गलत काम आप कर ही रहे हो, स्त्रियों पर गलत निगाह डाल ही रहे हो, जिन चीजों से शनि को सख्त नफरत है, बुजुर्गों की आप बेइज्जती कर ही रहे हो, अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो, पत्नी से के साथ छल कर रहे हो, या स्त्री है तो पति के साथ अगर छल कर रही है, तो भाई अगर आप जो चीजें शनि को पसंद नहीं है जिनके लिए वो आपको दंड देंगे और आप हनुमान जी की पूजा के साथ साथ ये कर्म करते जा रहे हो तो और बुरा है। तो भाई अब आपको डबल दंड मिलेगा, बताऊं कैसे? क्योंकि अब हनुमान जी की भी बेइज्जती, अब हनुमान शनि तो बोल देंगे शनिदेव की, भाई देखो मैंने आपको कमिटमेंट दे रखा है कि जो भक्त आपकी पूजा करेगा उसको मैं टच नहीं करूंगा, साढ़े सात या दहिया में फल नहीं दूंगा गलत, बट देखो अब ये मान नहीं रहा है, तो हनुमान जी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे, उनके कर्म उनके कार्य में बाधा नहीं डाल सकता कोई भी, महादेव भी बाधा नहीं डालते, त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी शनिदेव की कार्यों में बाधा नहीं डालते हैं, किसी भी देवता में इतनी हिम्मत नहीं है कि शनिदेव के कार्यों में बाधा डाल सके, इसका पूरा इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से बता सकता हूं मैं। अब है क्या, हनुमान जी की पूजा करने लगे, गलत काम आप फिर भी कर रहे हो, अब हनुमान जी क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे भैया अब आप देख लो अपने हिसाब से, तो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में लोग परेशान है, भैया वो इसीलिए परेशान है कि बजरंग बाण में एक लाइन आती है जिसमें वो कहा गया है कि राम जी की शपथ दी गई है हनुमान जी को। मैं भी यही पूछ, यार तुमने हनुमान जी को समझ के क्या रखा है? शनि से बचने के लिए तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो कि शनि परेशान ना करे, और इधर तुम हनुमान जी को राम जी की शपथ भी दे रहे हो, तुमने क्या समझ रखा है यार? प्रकृति के सारे कार्यक्रम को बिगाड़ने पर तुले हो, तो अब हनुमान जी की गदा भी चलनी है तुम पे और शनि का तो चल नहीं है भैया तुम पे, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं, किसी से कसम नहीं, ये व्यक्ति परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा सरल नहीं है, बहुत कठिन है, वाकई में कठिन है, शुद्धता चाहिए हनुमान जी की पूजा में। आप ठाकुर जी की पूजा नहा के आए चाय पी के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, किसी भी विष्णु जी की महादेव की पूजा मंदिर में जाके कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मान जाएंगे, बट हनुमान जी शुद्धतावादी हैं, ब्रह्मचर्य वाले हैं, तो उनकी पूजा अगर आप आए चाय पी के बैठ गए हैं कर रहे हैं, फिर बैठ गए चाय पी के, फिर आपने पूजा कर ली, फिर आप उठ के ऐसे ही गए बाथरूम करके आ गए, अरे यार आज तो शाम को मंदिर जाना है हनुमान जी के, यार वो ये करना है, चोला चढ़ाने चढ़ता है हनुमान जी पे वो, अरे यार आप शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो हनुमान जी की पूजा में, तो आपको क्या लगता है दुनिया नाई चोला चलाने चले जाते हैं, कुछ भी करते जा रहे हो, मतलब हल्के में लेके चल रहे हैं हनुमान जी को। अरे भाई नहीं भैया, वो हल्के में नहीं है, उन्होंने विष्णु जी के अवतार श्री राम के काम बनाए और शंकर जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं वो, उन्हें जो समझ रहे हैं अरे राम भक्त हैं, अरे भैया बहुत लाइटली ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो। दूसरी चीज, हनुमान बाण या हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, आप कुछ भी करो, ये केवल हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हैं,
आप ये सोचो कि हनुमान जी आपके अंडर में आके कोई काम कर देंगे, नहीं पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अरे आप इससे परेशान है, इससे मेरे को अपना किसी के अंडर में आके तो सिद्धियां ऐसी चीजें होती हैं जो लोग करते हैं जिससे उन्हें समझ में आता है। आजकल नहीं देखो, सिद्धियां ये हैं, सिद्धियां तो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धियां नहीं होती, सिद्धियां तो होती हैं, बट कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं और कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो निगेटिव होती हैं। सिद्धियां होता क्या है? सिद्धि ये होता है, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपका नाम धर्मेंद्र है, अब मुझे आपसे बात करनी है तो मैं कैसे बात करूंगा? ओए ओए तो करूंगा नहीं, पता नहीं यार इतनी भीड़ में किसको बुला रहा है ये बंदा, कैसे बोलूंगा? धर्मेंद्र भाई सुनो यार तुमसे काम है, नाम लिया मैंने आपका, क्या बोला? धर्मेंद्र भाई, भाई बोलूं दुश्मन बोलूं कुछ, धर्मेंद्र तो बोला ना मैंने, फोन पर मुझे बात करनी होगी तो फोन पर भी मैं लगाऊंगा ना, धर्मेंद्र यार एक काम है यार तुमसे। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर धर्मेंद्र से कुछ काम पड़ रहा है तो मैं बार बार अपनी तरफ से धर्मेंद्र को फोन कर रहा हूँ, मिलने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, यार एक बार मिल लो धर्मेंद्र मुझसे, यार एक बार मिल लो मुझसे, एक बार। धर्मेंद्र सोचेगा चलो एक बार ठीक है यार मिले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है अपना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम धर्मेंद्र को बार बार यानी नाम ले रहे हैं ना हम धर्मेंद्र का। सेम यही चीज है कि हम किसी देवता की या देवी या देवता की बार बार नाम जप या मंत्र जाप करेंगे ना, तो जब हम किसी ईश्वर के या मंत्रों का जाप करते हैं तो वो एक तरीके से हम ईश्वर का बार बार नाम जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय है। तो भाई शिवाय तो आ रहा है ना, अगर हम ओम नमः पे छोड़ दें तो तुम्हें पता है किसको बुला रहे हो, तुम किसका मंत्र जाप कर रहे हो? जब हमने बोल दिया ओम नमः शिवाय तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शिव जी से बात करना चाह रहे हैं, पर्सनली कुछ मैटर है इसलिए हम शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आप कॉलेज में या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आप अगर 33 लाएंगे तो आप पासिंग आउट मार्क्स ले आए, बट डिवीजन लानी है तो आपको 60 लाओ, 60 से ऊपर लाओ तभी तो फर्स्ट डिवीजन आओगे। ऐसे ही हर मंत्र की एक सिद्धि, जो आपने पूछी, तो हर मंत्र को सिद्ध करने की एक कैलकुलेशन है। अब आप जिस भी ईश्वर की, देवी देवता की, नवग्रह की, जिसको भी आप सिद्ध करना चाहते हो, उनके मंत्रों की एक नंबर संख्या है कि इतने नंबर जाप होंगे तभी हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैंने 1000 मंत्र जप लिए तो वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो वो जिस देवता या शक्ति का मंत्र था तो हमारी सिद्धि हो जाती, तो हम बोलते हैं हमने वो फलाने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया है, अब हमें हनुमान जी हमें आके सारी चीजें बताते हैं, हमने माता को सिद्ध कर लिया है तो माता हमें आती हैं, हमें माता बताती हैं। तो ये देवी देवता सिद्ध नहीं होते हैं, उनके मंत्र, जिस मंत्र को लेकर के आपने मंत्र जाप किया है वो पूरे विधि विधान से होगा। तो वो मंत्र अगर सिद्ध हो गया यानी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई तो जिसका भी आपने मंत्र जाप किया है वो आपको दर्शन देगा आके, कन्फर्म है ये। अच्छा, दर्शन मतलब कन्फर्म है भगवान का मंत्र, कोई पर्टिकुलर टाइम पढ़ लिया, पर्टिकुलर हाँ मंत्र आप करो कैलकुलेट, आपको वो दर्शन देगा, आप समझ जाना कि अब वो सिद्ध हो चुका है। उसके बाद में जब आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, आपकी जो बॉडी की ऑरा है ना, पॉजिटिव ऑरा अलग ही दिखने लगती है, महसूस होने लगेगा कि यार किसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके साथ कुछ घटना घटित, सिक्स सेंस जिसको बोलते ना, इतनी पावरफुल हो जाती है आपकी, मतलब आपको समझ में आएगा कि कोई क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है यार। आपको इतनी नॉलेज इस चीज के बारे में, हाँ। आप पूरी सब ग्रहों के बारे में इतनी जानकारी रखते हो, आपने कभी कोशिश नहीं किसी को सिद्ध करने की? नहीं, एक बार गलती की थी। हुआ ये था कि दुर्गा माता का एक मंत्र है और वही मंत्र हर कोई उसी मंत्र का जाप करता है, बड़ा सिंपल सा मंत्र है। तो ये बात है 2016 की, तो सितंबर में शारदीय नवरात्र आते हैं अपने, तो मैंने कहा यार अपन ज्योतिषी हैं, लोग कुंडली लेकर आते हैं, कुछ अपने पास ऐसा होना चाहिए ताकि अपन को पता चले कि यार क्या भविष्य में होने वाला है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप धार्मिक हैं और जीवन को आप अगर सही तरीके से गुजारना चाहते हैं तो इन चीज़ों से दूरी रहने में भलाई है, हकीकत ये है। तो मैंने कुछ भी करने को, आदमी तो जब एक बार घुस जाए उस लाइन में तो कुछ भी कर सकता है, तो मैंने उसके मंत्र जाप करना शुरू किए सिद्धि के लिए। मैंने करीबन 75,000 या 80,000 मंत्र हो पाए होंगे, तो वो चीज महसूस हुई मुझे एक ही दिन में, रात में महसूस, हाँ आप एक ही दिन में करने पड़ता है, नहीं एक दिन में नहीं, 9 दिन में आप डिवाइड कर लो कि आपको कितने मंत्र जाप करने हैं। तो देखो 125,000 मंत्र तो मिनिमम होते ही होते हैं, अब ये कलयुग है तो अब आपकी कैपेसिटी है कि आप इसमें कितना ऊपर जा सकते हो, तो कलयुग में 4 गुना असर चलता है, तो 125,000 के 4 गुने कर लो आप, 125 के 4 गुने कर लो,
अब जब आपके चार गुने हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा जीवन में, इतना परिवर्तित हो जाएगा कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता। आप देखोगे ना, किसी को तो देखते ही बता दोगे ये है, ये इसके साथ ऐसा होना और ऐसा। मेरे साथ एक पता निगेटिव चीज़ क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने 70-75 या 80 हज़ार के समथिंग हुए होंगे 4-5 दिनों में, मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, तो 3 या 4 दिन हुए। तो मुझे ना, और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शक्ति आपको रात में ही दिखेगी, महसूस होगी आके, वो भी सिरहाने, जो पॉजिटिव होगी वो सिरहाने महसूस होगी आके। सिरहाने मतलब आप तकिया लगा के सोते हो तो सिर के पीछे की तरफ, हाँ, महसूस होगी आके। अब साहब नौदुर्गों का टाइम था, पूरी चल रही अपनी, तो फुल फ्लो में एकदम पूजा। तीसरा या चौथा दिन था, रात में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं किसी से ना बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला, हे मातेश्वरी, मुझे अब छोड़ के मत जाना कभी भी, बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, और मुझे ना समाज के लिए कुछ करना है। लोग बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत गरीबी है, उनके जीवन में कुछ तरक्की लानी है। अब उधर से मुझे नहीं पता कि क्या बात चली, मैं अपनी फ्लो फ्लो में बोलता जा रहा हूँ, आँख खुल गई 5 मिनट बाद, पता नहीं कितनी देर बाद। अब मेरे को नींद नहीं आए, नींद नहीं आए तो साहब अब दिमाग खराब है यार, ये क्या हुआ, माता ने दर्शन किया। और हमेशा ध्यान रखना, जब आपकी पूजा सफल होने लगती है तो ईश्वर आपको दर्शन देंगे, बट आप उन दर्शनों का पूरी तरीके, अब जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो आप सब कुछ देख रहे हैं, बट सपने में जब आपको कोई दर्शन देने आएगा ना, आप प्रॉपर तरीके से ना बात कर पाओगे ना दर्शन ही कर पाओगे, सेकेंडों का काम होता है वहां, तो सेकेंडों का। अब वहां दर्शन हुए, मैं अपने फ्लो फ्लो में बोलता जा रहा हूँ, हे मातेश्वरी ऐसा वैसा फलाना, और वो उधर से दर्शन गायब, और मैं उठ गया, रोने लगा। अगले दिन पूजा की। अब जैसे मेरे ख्याल से शायद 5वां दिन आया होगा, फिर तो ये कंडीशन थी कि कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होने लगी कि जैसे कुंडली आई मेरे पास, एक कुंडली दिखाने आए, मैंने कुंडली देखी, तो मैंने कुंडली देखते उनको छूटते ही कुंडली रखी साइड में, मैंने कहा तुमने यार वो ऐसे ऐसे काम किया यार तुमने, तो मेरे पास यहाँ दूध के दुल्हे बन के कुंडली दिखाने आया, मैं तुम्हारी कुंडली नहीं देखता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मैंने कुंडली वापस कर दी। अब क्या हुआ, ये तो चला गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे महसूस यार मैंने ये चीज मेरे पास कैसे निकली, ये तो कुंडली में मुझे दिखी नहीं, ये चीज कैसे दिखी। अब हुआ क्या कि एक दोस्त था मेरा, तो ऐसे फोन पे बात कर रहे थे हम नॉर्मली, हंसी खुशी बात चल रही थी फोन पे, तो मैंने उससे बोल दिया, मैंने कि तुम्हारी क्रोध का शिकार अगला मैं होने वाला हूँ, तुम्हारे क्रोध का शिकार मैं होने वाला हूँ, मैं बोला उससे कि तुम्हारे क्रोध का शिकार मैं होने वाला हूँ, और बहुत बुरी तरीके से शिकार होने वाला हूँ, मुझे स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ, बस मुझे बस वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि मैटर क्या है, किस बात पर होने वाले हो तुम मुझ पर गुस्सा, लेकिन कोई ना कोई गलत फहमी होने वाली है हमारे तुम्हारे बीच में, और उसकी वजह से हमारे तुम्हारे बीच में रिश्ते दोस्ती खत्म होने वाली है। तो उसने उधर से बोला, विकास कैसी बात कर रहे हो यार, हमारी इतने सालों की दोस्ती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, नहीं बॉस कुछ भी हो, मैं पूजा करके उठाऊंगा अभी, और मुझे जो चीज स्पष्ट दिखती है मैं साफ बोलता हूँ, पिछले एक हफ्ते से तो यही हो रहा है मेरे पास, बवंडर मचा हुआ है। मतलब ऐसे इंट्यूशन, मैंने उसको विश्वास नहीं मानोगे, 2016 में 20 नवंबर के आसपास की बात होगी, कन्फर्म है। मैंने उस ऐसी बात चल रही थी फोन पे, उसका फोन आया, अरे विकास यार वो मैं वहां जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, और वो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैंने उससे पता छूटते ही एक चीज बोल दी। मैंने कहा, क्यों रे ये बता, तूने वो बात नहीं बताई मुझे। बोले कौन सी? मैंने कि वो यार कोई ऐसी ऐसी घटना की यार तुमने, यार आज के बाद आप मुझसे फोन मत करना। अरे मैंने कहा, यार तुम छुपाना चाह रहे हो यार। बोले तुमसे किसने कहा? मैंने, मुझसे किसी ने भी कहा, तुम ये बताओ ये किया कि नहीं, आज के बाद हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या बात। अरे भाई साहब, और बोले तुम यार दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, अरे सिद्धि करिए तो तुम अपने तक रखो, सिद्धि दूसरों में क्यों घुस रहे हो? अरे मैंने कि मैं घुस नहीं रहा हूँ भाई, मुझे तो दिखा। और मुझे दिखा तो मैंने तुम्हें बोला यार, इसमें कौन सी बात है। बोले नहीं, तुम बहुत डीप में घुस रहे हो, दूर आज भी औरतों को बताया, लेकिन उससे निगेटिव चीज पता क्या है, आपके आसपास के, जैसे मान लो आप मेरे दोस्त हो, अब यार तुम कोई चीज छुपा रहे हो और आप, अब वो मुझे दिख रही है, तो अब यार तुम्हारे हमारे रिश्तों में दरार पड़ रही है यार, तो वो मजा नहीं है उस चीज में। इसलिए आपने, अब इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपके किए गए कर्मों को छुपा जाए, दबा जाए, नहीं। और वो शक्ति है उजागर करने वाली, शनि।
शनि इस ब्रह्मांड की किसी भी अच्छी बुरी कैसा भी कर्म होगा उसको छुपने नहीं देते हैं, आज नहीं तो कल वो दुनिया के सामने ले आएंगे। बस उस दिन का वेट करो जिस दिन वो आपकी कुंडली में आ जाएं सही स्थिति पर। और मैं देख के बता देता हूँ भैया, अरे वो ऐसा ऐसा किया तुमने, नहीं पंडित जी, अरे भाई साहब झूठ मत बोलो, शनि की स्थिति यही बता रही है। ये लोग कहते हैं भाई मेरी जुबान, लोग बोलते हैं मेरी जुबान काली है। किसी के पीछे रीजन है कि अब भाई कुंडली में दिख रहा है मुझे, जो दिखा तो मैंने बोल दिया, तो मैं अब वो घटना घटित हो गई तो मेरी जुबान काली, जुबान काली नहीं है भैया। आप अपने दिल को मजबूत रखो अगर मेरे पास कुंडली लेकर आ रहे हो। तो आज भी है आपके पास वो सिद्धि है? आज है आपके पास वो सिद्धि? ना भैया बीच में ही छोड़ दी मैंने, बवंडर नहीं चाहिए। गई कैसे अब इतनी शक्ति आपके पास आई? फिर नहीं चाहिए ना, उसको कंटिन्यू नहीं किया, कंटिन्यू करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। अरे जैसे आप बता रहे थे ना कि नौ दिन में आपने जैसे 10 लाख अचीव करना था, 10 लाख नंबर मान लेते हैं, आपने 10 लाख अचीव कर लिया, उसके बाद वो कभी जाएगी नहीं जाएगी? नहीं फिर नहीं जाएगी, फिर कभी नहीं। क्या होता है इसमें मैं बताऊं, पूजा पाठ करने का तरीका होता है। सपोज मुझे लक्ष्मी जी की सिद्धि करनी है, अब मैं लक्ष्मी जी के चाहे 10 करोड़ मंत्र जाप कर लूं, लक्ष्मी सिद्ध नहीं होंगी, कभी कभी नहीं होंगी। लोग क्या करते हैं, पंडित जी हम बहुत परेशान हैं, कोई उपाय बताओ, छप्पर फाड़ के पैसा आ जाए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लक्ष्मी जी के आने का एक नियम है और लक्ष्मी जी के जाने का एक नियम है, और लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती हैं, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का मतलब आप कहीं जंगल में जाके नहीं करेंगे, मतलब सिद्धि करनी पड़ती है। तो लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं, बट लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती हैं। और लोग क्या करते हैं, ओम शिव शिवाय नमः मंत्र जाप करते जा रहे हैं लेकिन लक्ष्मी नहीं आ रही है, सालों साल बीत गए लक्ष्मी नहीं आ रही, अनुष्ठान कुछ नहीं आएंगी। लक्ष्मी विष्णु को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती हैं, कहीं भी। अगर आपको लक्ष्मी को सिद्ध करना है तो सबसे पहले विष्णु को सिद्ध करो, और विष्णु जी तो ऐसे सिद्ध होते हैं चुटकी बजाई और ऐसा होता है कि नारायण आपके वश में आ गए। अच्छा, अरे बहुत सबसे सिंपल पूजा है विष्णु जी की। तो अब इसमें क्या बता रहा था मैं कि सिद्धि करने की, 10 लाख पे पूछ रहे थे कि भैया 10 लाख की मैंने की, तो अब अगर मुझे कोई पूजा करनी है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई सिद्धि करनी है, तो इसके करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट डे कोई अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, कोई मंत्र जाप अभी किया नहीं है, आसन पे बैठूंगा, पहले आसन को सिद्ध करूंगा, फिर उस देवी या देवता जिसकी पूजा करनी उनको पूजन अर्चन करूंगा, उसके बाद में पता क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना, यार तुम जुबान के पक्के नहीं हो यार, बोल देते हो काम नहीं करते हो यार, क्या मतलब है तुम्हारा, अरे वो भरोसे का आदमी नहीं है। ऐसे ही पूजा में होता है, आप किसी ईश्वर से या देवी देवता से कुछ चाहते हो तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा भाई पहले कि हे प्रभु मैं ये कर रहा हूं आपके लिए, मुझ पर कृपा करना। क्यों कर रहे हो तो वो बताना पड़ेगा, साहब मुझे पैसा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब कुछ बोलना पड़ेगा भाई आपको। तो फर्स्ट डे आसन पे बैठते ही आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संकल्प। संकल्प पूजा पाठ अनुष्ठान में संकल्प होता है, बिना संकल्प के पूजा फलित ही नहीं है। जो मान के चलो आप दो तरीके की पूजा, निष्काम सकाम, तो आप अगर कुछ चाह रहे हो तो सकाम पूजा हो गई ना, तो आपको फिर सकाम पूजा के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। कमिटमेंट करो ना आप उनके सामने कि मैं करके दे रहा हूँ, अब आपकी बारी है। तो अगर मैंने संकल्प कर दिया कि मैं 10 लाख करके दूंगा, तो वो बाध्य हो गए यार, इसने अपनी जुबान का पक्का है, इसने अपना काम करके दिया है, अब वो बाध्य है आपकी पूजा का फल देने के लिए। बट मैंने वो किया नहीं ना कम्प्लीट, तो वो बाध्य नहीं है। तुम्हारे जैसे 36 आते हैं, किसको किसको हम फल देंगे, बस वही पूजा खत्म हो गई, संकल्प इसीलिए फल नहीं मिलता। बिना संकल्प के आपने पूजा की तो वो आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, बट वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में रिकॉर्ड हो जाएगी, फल मिलेगा, बट जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, वो ईश्वर आपको कुछ ना कुछ दूसरा देगा उसकी जगह, बट जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने संकल्प पूरा नहीं किया। अगर जैसे मेरे को सिद्धि मिल गई ठीक है किसी भी उसकी, तो फिर तो कभी वो जाएगी नहीं, तो मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ, कुछ बुरा भी कर सकता हूँ, मैंने बुरा करा तो आपको नुकसानदायक है। अच्छा, जैसे हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही कहीं देखा था कि तम पिशाचनी के बारे में बताया था किसी ने कि उनको ऐसे सिद्ध कर ले अपन, तो है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, पर इससे क्या मतलब सिद्धि, ऐसी कोई सिद्धि होती है क्या? देखो ये बता रहे हो मुझे, वो सिद्धियां हैं जो मैं भी बता रहा था पहले कि ये पिशाचनी की सिद्धि है, योगिनी की सिद्धि है। देखो सिद्धि क्या होता है, देवियों की सिद्धियां ये जब तक आप इनको, एक तो ये तंत्र विद्या में आती हैं, हमारे ज्योतिष विद्या की नहीं है ये। दूसरी चीज इनमें क्या होता है कि आपको पॉजिटिव के साथ साथ कई चीजें निगेटिव भी इफेक्ट डालेंगी बॉडी पर, ठीक है। अब आपने कोई सिद्धि कर ली तो सीधी सी बात है, आपने ये तंत्र विद्या वाली सिद्धि की है, तंत्र मंत्र वाली, ठीक है, आप
पॉजिटिव वे में तो नहीं करी होगी इसकी सिद्धि, कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफात होगी तभी आपने ये सिद्धि की है। तो आपने ये सिद्धि लेने के बाद में सीधी सी बात है कि आप इसका कुछ ना कुछ निगेटिव फायदा लेना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वो हमेशा यही होते हैं, निगेटिव काम करने वाले निगेटिव काम से फायदा लेने वाले ही तंत्र मंत्र करते हैं। बाकी ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई लेन देन नहीं है कि किसी का बुरा करके या किसी के बारे में गलत करके अपन उसका फायदा ले। अगर सिद्धि किसी को मिल गई है वाली, तो वो क्या क्या कर सकता है, कुछ तो करता होगा ना। देखो अगर उसको जैसे सिद्धि मिल गई, तो अगर मान लो उसने पिशाचिनी योगिनी की वशीकरण की कैसी भी सिद्धि कर ली, तो अब उसके ऊपर है भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो आपका भला चाह रहा है, सपोज आप परेशान हो, आपकी कोई चीज खो गई है, ठीक है, या किसी से लड़ाई हो गई है, तो आप उसमें विजय हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, मतलब कोई केस चल रहा है उसमें आप विजय हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, तो आप उसके पास जाते हो तंत्र वाले के पास जिसने सिद्धि कर रखी है कि पंडित जी ये बताओ। पहली चीज तो वो पंडित जी नहीं होते हैं, क्योंकि जो तंत्र मंत्र करते हैं वो पंडित जी नहीं होते हैं। तो आप उससे पूछोगे कि बाबा जी ये बताओ कि हमारे साथ ऐसी ऐसी परेशानी है, इसका क्या हल हो सकता है। तो आप अगर पॉजिटिव लेकर के गए हो तो वो आपको पॉजिटिव बताएगा, ठीक है, कि ठीक है ये ऐसे ऐसे काम होगा। बट अगर आप उसको बोलो या फिर वो ऐसा बोल रहा है आपसे खुद अपने आगे आकर के कि तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो यानी नेगेटिव जा रहा है ना। अब वो उस सिद्धि का नेगेटिव इफेक्ट लेना चाह रहा है आपके फायदे के लिए, अब वो किसी के साथ गलत करना चाह रहा है, तो सीधी सी बात है वो सिद्धि कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। सिद्धि क्षीण होती चली जाएगी, असर कम करेगी, उसका बुरा करेगी, क्या करेगी, अब वो सिद्धि और उसके ऊपर है, बट नेगेटिव इफेक्ट आएगा ये कन्फर्म है। अगर मैं ये मानूं कि प्रखर ने कोई सिद्धि ऐसी कर ली, तो प्रखर में शक्ति क्या आ जाएगी? शक्ति ये आ जाएगी कि देखो हर देवी की अलग अलग सिद्धि है। अगर आपने वशीकरण की कोई सिद्धि की है, मंत्र जाप किया है कि मैं चारों मतलब तीनों लोगों को वशीकृत करना चाहता हूँ, सब लोग मेरे वशीकरण में लाए, तो फिर तो ये बहुत पॉजिटिव भी और बहुत निगेटिव भी है। अगर आप अपना काम बनाने के लिए, मतलब कोई काम ऐसा है जो अच्छा है बट वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप अगर अपनी शक्ति का उपयोग करना चाह रहे हो, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेके मंत्र जाप करोगे अपना, जिस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, तो वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा, आप उससे वो काम करा सकते हो, ठीक है, बट पॉजिटिव काम होगा। बट अगर वही आप उसका गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हो, गलत फायदा उठाना चाह रहे हो या गलत काम कराना चाह रहे हो, वो आपने वो मंत्र जाप करके उसको वशीकृत करके कर लिया, तो आपकी तो शक्ति आपने गलत उपयोग कर लिया ना, तो इसका फल भी तो निगेटिव ही है। मैंने हनुमान जी वाले उस पर भी बताया था कि आप उसको निगेटिव काम करोगे पॉजिटिव लेकर के, तो आपको निगेटिव का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया तंत्र मंत्र में नहीं घुसना चाहिए, ना कहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, इंसान परेशान होता है तो ग्रहों के कारण होता है, अपने कर्मों के कारण होता है। आप उनको किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखा के कंसल्ट करके कर लो, थोड़े बहुत पैसा लेगा, दक्षिणा लेगा, वो आपको कुंडली के उपाय बता देगा, कर लोगे। बट अगर आप किसी तंत्र विद्या वाले के पास के चक्कर में फंस गए कि मेरे पास ये सिद्धि है मैं वो कर दूंगा, तो आप कभी निकल नहीं पाओगे उसके चंगुल से। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा आपके दर्शकों से, भैया किसी इस तरीके की विद्या वालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जीवन अनमोल है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं बलि की प्रथा नहीं है ना, बलि के बारे में बताया गया है कि इस देवता की बलि दो, नहीं दो, लेकिन तंत्र मंत्र वाले बोलते हैं हमने सिद्धि की है, हमारी देवी प्रसन्न होगी, ये ऐसा होगा, क्या मतलब है निगेटिव जाके। जैसे अपना एक और क्वेश्चन है, अपन पुराने उसी पे आते हैं, मांगलिक पे। मांगलिक भी जैसे आपने बताया था कि इस पे कई कई तरीके के होते हैं कि पेड़ से शादी कर लो तो आपकी मांगलिक हट जाएगा, या आप किसी मटके से कर लो, इसमें क्या चीजें हैं? इसमें होता क्या है, देखो मंगल दोष मैंने पहले भी बताया, मंगल दोष क्या होता है कि एक व्यक्ति की कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादशेश इन पांच ग्रहों में भावों में अगर मंगल बैठ गया तो व्यक्ति मांगलिक हो गया। दक्षिण भारत में द्वितीय भाव को भी मानते हैं, तो मैंने तो ये इफेक्ट देखा है कि इनके दूसरे घर में मंगल बैठा हो उनको वाकई में असर होता है। अब कोई व्यक्ति मांगलिक है, अब वो अगर विवाह करना चाह रहा है, तो पहले परिवार वाले लड़की के माता पिता या लड़के के परिवार वाले माता पिता क्या करते हैं, नॉर्मली ये होता है कि कुंडली की डिटेल ले ली, जन्म तिथि और समय और जगह और कंप्यूटर में डाला और कुंडली निकाली और बस बोल दिया बधाई हो साहब, आप बच्चों के 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया, बस आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो, शादी करते हैं बच्चों की। अरे भाई आपने उसमें देखा ही नहीं कि बच्चा मांगलिक है कि नहीं है, बस आपने गुण मिलाए और कर दिया शादी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही फेरे होंगे, फेरे होने के बाद में वो अपना पारिवारिक जीवन जैसे ही स्टार्ट करेंगे, अब बस अगर एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो बस अब जो मांगलिक है उसका मंगल अपोजिट जेंडर पे अपना इफेक्ट डालना शुरू करेगा,
क्या असर डाल, और मंगल इफेक्ट ऐसे डालेगा कि उसका मंगल पावर में है, उसकी एनर्जी बॉडी लेवल, बॉडी की एनर्जी बहुत पावर में है, बट दूसरा तो मांगलिक है ही नहीं, उसकी बॉडी की एनर्जी उस लेवल की है ही नहीं जो मंगल को डिफीट दे। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, भाई तू मेरी मेजोरिटी का नहीं है। हाँ। मेजोरिटी मिलेगी तभी तो हम बातें करेंगे। हाँ। तो अब मंगल हाई लेवल की मेजोरिटी का है, तुम्हारी एनर्जी उस लेवल की है नहीं, मेजोरिटी नहीं मिल रही ना मंगल की। तो मंगल क्या करता है, मंगल अगर पावर में है तो आप अगर पावर में नहीं हो, मंगल आपको निग्लेक्ट करके चलेगा, डोमिनेट करेगा आपको। अब अगर आप उससे डोमिनेट होना पसंद करते हो तो डोमिनेट हो, तो मंगल आपको फर्स्ट डे से, शादी के अगले दिन से ही मंगल समझ जाता है कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है, इसमें पावर नहीं है, ये इसको डोमिनेट करके रखना है। तो देखना, कई घरों में स्त्रियां अपने पति को डोमिनेट करके चलती हैं, तो उनमें पति मांगलिक नहीं होगा, या होगा तो मंगल की पावर कम होगी, बट वो लेडीज महिला की पावर मंगल की ज्यादा होगी, ठीक है। और कई घरों में पति की मंगल की पावर लड़के के अंदर अगर ज्यादा है तो फिर लड़का तो डोमिनेट करके चल ही रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, मंगल अपोजिट पार्टनर को दूर करने की कोशिश में रहेगा, अरे हटा जी मेजोरिटी का नहीं है हमारे। वहां पर क्या करता है, मंगल शादी के जो बंधन होते हैं विवाह में, विच्छेद उत्पन्न करता है। अब वो विच्छेद कई तरीके के हो सकते हैं, अब इसको विस्तार से अपन समझें तो अगर दोनों पार्टनर मांगलिक हैं और शादी करते हैं तो इतना पंगा नहीं है, बट अगर दोनों ही पार्टनर मांगलिक और फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं तो विवाह में बाधा उत्पन्न होगी, और होगी होगी, इसको नहीं रोक सकते आप। अच्छा, विवाह में विच्छेद के संबंध, मतलब संबंध विच्छेद की दिक्कतें आएंगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे कि इसमें इफेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप लड़का मांगलिक है उसके इफेक्ट कुछ अलग होंगे, लड़की मांगलिक उसके इफेक्ट कुछ अलग। वही बता रहा हूँ मैं कि अगर दोनों पार्टनर अगर मांगलिक हैं तो वो फिर, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैरिज किए हैं तो वो संबंध विच्छेद होगा। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो कैसे भी हो वो अलग होंगे, लड़का मांगलिक है अगर, हाँ, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर लड़की मांगलिक हुई और लड़का मांगलिक नहीं हुआ तो उसका मंगल लड़के की आयु पर आ जाएगा, आयु मतलब जीवन पर कष्टकारी हो जाएगा, और जीवन पर कष्टकारी के होने का मतलब होता है कि लड़के के प्राणों पर संकट है। इसीलिए जब कोई लड़की मांगलिक होती है और बिना मांगलिक लड़के से शादी की जाती है तो उस लड़की की कुंडली में वैधव्य योग फर्स्ट डे से लिखा हुआ है, जब वो धरती पर आई मांगलिक हुई है फर्स्ट डे ही, और वैधव्य योग लिख गया है। अब वो वैधव्य योग घटित कब होगा, विवाह होगा तभी होगा। अब उस योग को काटना है तो उसके तरीके होते हैं। अगर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो उसके प्राणों पर संकट है। अच्छा, लड़कों के प्राणों पर संकट है, आपको ऐसी कोई कहानी है जिसमें प्राण चले गए, जीवन पर संकट है और बहुत कर रहा संकट है, किस दिन घटना घटित करेगा मंगल इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ये लड़के की कुंडली देख के पता चलेगा कि भाई तेरा समय कैसा चल रहा है गोचर में। अब अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़की के प्राणों पर संकट नहीं है, बट शारीरिक कष्ट मिलेंगे, उसको तबीयत खराब रहेगी। विवाह के बाद अगर किसी महिला की अधिकतर समय तक तबीयत खराब रहने लगे तो आप समझ जाइएगा कि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, ठीक है। इसीलिए मंगल इनको आपस में मिलने नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखना, अपोजिट है, बट लड़की के प्राणों पर संकट नहीं आएगा। तो तीन स्थितियां हैं मंगल की अलग करने की, या तो दोनों मांगलिक हैं तो संबंध विच्छेद कराएगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहला विवाह हुआ है तो, क्योंकि मांगलिक दोष हमेशा दो विवाह का योग मान के चलो आप तो, ठीक है। और अगर दोनों लड़के लड़की मांगलिक हैं और केवल कुंडली मिलाई है, मांगलिक दोष का परिहार नहीं किया है और विवाह कर लिया है, तो आप ये तय मान के चलिए कि संबंध विच्छेद होंगे इनके, कन्फर्म है ये। और अब जैसे जैसे समय बिगड़ेगा, मंगल पता क्या करता है, मंगल फर्स्ट डे से असर दिखाना शुरू करता है, लेकिन वो इतना कर देता है कि उसे पता है कि कल को ये कोई उपाय करने लगे या कुछ करने लगे तो वहाँ कुछ काम ही ना आ पाए इनका। अच्छा। तो हमेशा अलग करता है जाकर के, जब पानी सर के ऊपर से निकाल देता है मंगल, आपस में एकदम दुश्मनी करा देता है मंगल, नहीं भैया मुझे तो डिवोर्स चाहिए, तेरे साथ नहीं रहना, नहीं निभ रही मेरी। अब क्या होगा, डिवोर्स होगा। अब डिवोर्स हुआ तो संबंध विच्छेद हुआ। लड़की मांगले के लड़का मांगले के नहीं है, यहाँ डिवोर्स का संकट झंझट ही नहीं है, यहाँ तो लड़के के प्राणों का ही संकट है सीधा। जितनी भी कन्याएं लड़की के माता पिता हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि भैया आप अपने बच्चों की कुंडली मिलान करके और विवाह कर देते हो ना, उसमें आप ये देखा करो मंगल दोष है कि नहीं है, दो विवाह का योग है कि नहीं है, या फिर अगर लड़की वाले हैं तो ये देख के चले कि भैया लड़के की कुंडली में बहुविवाह का योग तो नहीं है कहीं, बहुविवाह मतलब दो से अधिक विवाह। और लड़के वाले अगर कुंडली मिला रहे हैं तो हमेशा ये देख के चले लड़की की कुंडली में कहीं उसके बहु विवाह के योग तो नहीं है, यानी दो से अधिक विवाह लिखे हों। और तुम भाई इन दुर्गणों मतलब इन दोषों का परिहार किए बिना अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो परिणाम तो आपको भोगने पड़ेंगे। हाँ, सही बात। अब इसमें क्या होता है कि सपोज अधिकतर देखना महिलाएं कोर्ट में पहुंच जाती हैं,
गुस्से में आके, मंगल की पावर है भैया, तुम नहीं दबा पाओगे मंगल को, अगर मंगल को कोई नहीं दबा सकता, वो ज्यादा कूल। शनि के सामने नवग्रह कांपते हैं। मेरा माता पिता से यही अनुरोध है कि भाई आप बच्चों की कुंडली मिलाएं, परिवार देखें, कुछ भी देखें, बट कुंडली में कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको देखना बहुत आवश्यक है। मेरे पास कई कुंडलियां आती हैं, मेरे परिचित के हैं, उनने अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझे लगता है मुझसे कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा कुंडलियां दिखवाई होंगी लड़कों की, और मैंने पूरी एक्सेल शीट में रिकॉर्ड बना रखा था, नाम, डेट, टाइम और किस जगह की प्लेस, मतलब हो गया कुंडली की डिटेल और वो बंदा कहाँ का है। अब 100 से ज्यादा का उनने डेटा मुझे दे रखा था, 100-150 से ज्यादा कुंडलियां दिखवाई, फिर उनने एक जगह जाकर के करी है कुंडली, उसमें भी मैंने बोल दिया था कि भाई लड़के में ये दिक्कत है। दिक्कत क्या बोली तब भी आपने? ये अभी की करंट पिछले साल की बात है। नहीं, दिक्कत क्या बोली थी आपने? वो मैं नहीं बता सकता ना क्या दिक्कत है, कुछ होगी परेशानी उसमें। हाँ। कुंडली में निकल रही थी, कुछ दोष निकल रहा था एक, तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसा ऐसा दोष आ रहा है कुंडली में, तो मेरे हिसाब से तो मत करो, बट लड़का अच्छा पैसे वाला है, एक लौता है, सब कुछ है, तो उनने वहां कर दी शादी। अब क्या है क्या नहीं है उससे ज्यादा आगे कहानी में मैं घुसता नहीं हूँ किसी की, बट इतना है उनने मुझसे 100 से ज्यादा कुंडलियां दिखाई। क्यों दिखाई, उसके पीछे का रीजन है कि वो एक बार मेरे पास कुंडली लेके आए थे, तो मैंने कुंडली देखी, तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो मुझसे ये बताओ, तो बोले पंडित जी इसमें ये बताओ हमारी लड़की वहाँ सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, लड़का कैसा है, सब कुछ जानना है, मैं जैसे आप विश्लेषण करके बताओ। मैंने देख के बताया, मैंने बेकार है कुंडली हटा, कोई मतलब नहीं है, लड़के की कुंडली में योग अलग बोल रहे हैं, लड़की की कुंडली में योग अलग बोल रहे हैं, तो मतलब नहीं है ना वहाँ भेजने का। उनने पूछा, मैंने सारे डिटेल बता दिया, और ऐसे करते 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 वो शादी .com से उनने 100 से अधिक उनने डेटा निकाल के मेरे को भेजा, मैं उनको सब पूरी देख देख के कुंडलियाँ भेजते और मैं सब कुछ देख देख के बताता रहता। अब मैं मना करता जा रहा हूँ, एक फिर बोलते कभी आपने सबको तो मना कर दिया है, अब हमारी बेटी कब शादी करेगी, तो मैंने कहा अभी 28 साल की तो हो जाए पहले। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मांगलिक जातक 28 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले विवाह ना करें, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आपके विवाह विच्छेद के चांसेस 101% रहेंगे। और इसमें मैंने एक चीज और बोली थी मांगलिक में आकर के, कि दोनों ही अगर लड़का लड़की मांगलिक हैं बट उन्होंने मंगल दोष का परिहार नहीं किया है, परिहार मतलब शमन नहीं किया, उपाय नहीं किया मंगल दोष का, विवाह कर लिया है और गड़बड़ होने लगी है शादी में, अब तो भैया फिर उसके तरीके हैं उसको शांत करने के, मंगल को रोको वहीं ऑन द स्पॉट रोको। मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों मांगलिक हो तो वेल एंड गुड, तब भी दिक्कतें आ सकती, दिक्कत आएंगी क्योंकि मंगल, मैंने आपको अभी एक कुंडली का बताया कि वो दोनों लोगों, दो लोग थे, उन्होंने लव मैरिज की है, एक ही राशि है तुला राशि, सोचो कितना प्रेम होगा आपस में, बट जिस दिन खराब ग्रह आया ना, पति पत्नी में वैमनस्यता बढ़ा दी और सुसाइड अटेम्प्ट किया उन्होंने, बट जब वो काल गोचर में चला गया आज फिर एक है, सारा कुछ ग्रहों का खेल है, कालखंड का खेल है, ये सब गोचर चल रहा है कहीं ना कहीं। मेरे को एक और चीज पूछनी है, एस्ट्रोलॉजी और ये हाथ की लकीरें, ये मिला हुआ है? क्योंकि हाँ, जैसे लोग मेरे से कहते हैं कि मेरे चांद बनता है ऐसे, देखोगे ना अच्छा, तो मेरे मेरे जीवन में कोई चांद लिखा है तो। चांद का होता क्या है, ये जो होता है ना हथेलियां, ये होती हैं भाग्य को प्रबल करने के लिए। अब इसको करना कैसे है, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले बिस्तर से उठ के बैठ जाओ, आप बैठने के बाद में दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे मिलाइए, दोनों हथेलियां, ये अंगूठा और ये अंगूठा, ये सब मिल गया ऐसे चारों मिलाइए। अब मंत्र बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सरस्वती कर्म धेतु, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला पूरा मंत्र बोलिए और हथेलियों को यहाँ से देखना शुरू करिए और यहाँ तक आइए, आप देखते रहिए, आपको दो बार इसको बोलना है मंत्र को, फिर ऐसे करना करके बस। उसके बाद में जो स्वर आपका सबसे चल रहा हो, सोते समय जब आप जगे हैं ना, तो जो स्वर आपका चल रहा हो उस स्वर का पहला पैर आप जमीन पर रखिए और उसी हाथ से आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। स्वर क्या होता है? नाक के स्वर। हाँ, तो ये नाक का जो हिस्सा आपका चल रहा हो आप पता कर लो, अनुलोम विलोम करते हैं किसी के, दोनों चल रहे हैं करके पता चल गया मेरा ये स्वर चल रहा है, तो बस आपको उल्टा पैर ही सबसे पहले पलंग से कदम रखना है धरती पर, और रखने से पहले ही आपको उल्टे हाथ से ही धरती माता को प्रणाम करना, छूना है और उल्टा पैर ही रखना है, और फिर उतर जाइए और फिर उसके बाद में सकल ब्रह्मांड को प्रणाम करिए, धरती माता को सबसे लास्ट में करेंगे, सकल ब्रह्मांड को प्रणाम करिए, दसों दिशाओं को घूमकर प्रणाम करिए और फिर धरती माता को प्रणाम करिए, और अब अपने कार्य में लग जाइए, भाग्य आपका प्रबल होने लगेगा। यही करूँगा आपसे मैं।